संस्कृत पढ़ने वाले प्यारे साथियों, इस बार संस्कृत रीट भर्ती परीक्षा के लिए संस्कृत सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन, संस्कृत सरस्वती यूट्यूब चैनल, संस्कृत सरस्वती हितोपदेशिका पुस्तक, संस्कृत सरस्वती वस्तुनिष्ठ मॉडल पेपर को अपना सारथी बनाइए और निश्चित रूप से परीक्षा में सफलता पाइए। फोन लेते दिनेश जी ने क्या पोस्ट आई देखना एक बार आप राज के विद्यालय में अध्यापक की लड़ाई का मामला फालतू की बात है। लो मास्टर भी लड़ाई करते हैं भैया। नमस्कार, आप सभी को प्रणाम। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। क्लास को लाइक शेयर करना, फिर हमारी ट्रेन चालू करते हैं फास्ट। आज हम मूल्यांकन के प्रश्न लेकर चलेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री के जो भी हमारे 20-30 प्रश्न बचे हैं उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे, समय रहा तो, क्योंकि आज तबीयत थोड़ी डमाडोल है मेरी, बुखार सा हो रहा है और मुझे ठंड लग रही है। तो मैं चाहता हूँ कि मूल्यांकन के जो हमारे लगभग 250 क्वेश्चन हैं हमारे पास में, उनकी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि एक बड़ा टॉपिक भी है। समय रहेगा तो कल शिक्षा नीति और आयोग की चर्चा के साथ में उसको भी हम ले लेंगे। कल की क्लास हमारी नीति और आयोग को समर्पित रहेंगी, समितियों को समर्पित रहेगी, ईश्वर की कृपा बनी रही तो। परसों हम 23 सितंबर को कतलेआम करेंगे उन सभी प्रश्नों का। मैंने आपके लिए करीब कितने प्रश्न हैं, 280 प्रश्नों का संग्रह किया है, ग्रामर से भी किए हैं और आपके शिक्षण विधियों का भी संग्रह किया है। 180 सवाल आपके लगभग ग्रामर से हैं और 100 सवाल शिक्षण विधियों के हैं। ये वो सवाल हैं जो आपकी परीक्षाओं में रिपीट होते हैं, ये वो सवाल है जो आपकी परीक्षाओं में आने को बेकरार रहते हैं, लेकिन कभी कभार इनका नंबर नहीं आता इसलिए आ नहीं पाते। तो ऐसे बेकरार बेचैन रहने वाले, आपकी परीक्षा में आ जाने के लिए मर मिटने वाले ऐसे क्वेश्चनों को हम मारेंगे, कूटेंगे, फाड़ेंगे। तो 23 सितंबर का दिन आप पूरा समर्पित रखें, अपना जो नेट है उस नेट को भी आप बचा के रखें। क्लास हमारी 7 बजे से लेकर, क्योंकि उसमें थोड़ी व्याख्या भी करूँगा, कुछ बोलना भी चाहूँगा मैं, तो उस दिन हो सकता है कि मुझे 4 घंटे भी लग जाएँ, 4.5 घंटे भी लग जाएँ। तो 7 से लेकर के लगभग 11 या 12 बजे तक हमारी क्लास चलेगी। तो आप सब लोगों को नमस्कार, सूचना देने के लिए मुझे कहना था। क्लास को ईमानदारी से लाइक करके शेयर करके आगे बढ़ाओ। अब मैं स्टार्ट करता हूँ माँ सरस्वती को प्रणाम करके। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परिमां आद्याम जगद व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी अभयदां जाड्यांधकार अपहां हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धि प्रदां शारदां बुद्धि प्रदां शारदां। ईमानदारी से जिसने क्लास को शेयर किया है ना, वो अंगूठा देगा एक बार, और जो नहीं किया हो ना शेयर, वो चुपचाप टमक टमक देखते रहो। बदतमीज लोग हैं, फिर आप लोग शेयर नहीं करते, इतना कहने के बावजूद भी इस परीक्षा के दिनों में अंत में ये फेफड़े साले दर्द कर रहे हो भले, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए खड़ा रहता हूँ। चाहे दुनिया कैसे ही भाग रही हो, बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, पर लास्ट में आके दुनिया ने घुटने टेके हों, पर ये राम कुमार शास्त्री आपके साथ परीक्षा तक लगातार बने रहने का संकल्प लिए चला था, अभी भी मैं चली रहा हूँ। और लास्ट के दिनों में जैसे धावक को दौड़ते समय अधिक ऊर्जा की और गति की आवश्यकता होती है, वो वैसे मैंने भी पकड़ी है। मेरा मन था कि मैं ये सब क्रेज कोर्स के माध्यम से आप सबके सामने रखूँ, वो कार्य मैंने भली भांति निभाने का पूरा प्रयास किया है। स्टार्ट करता हूँ, आपकी मर्जी, आप कितनी देर तक मुझे चलाते हो। 250 प्रश्न है मूल्यांकन के, जहाँ आप लोग दम तोड़ देंगे गाड़ी मेरी वहीं रुक जाएगी और मैं भी दम तोड़ दूंगा। कल की क्लास केवल नीति समिति और आयोग को समर्पित रहेगी। कितने क्वेश्चन होते हैं आज 250 में से, प्रश्न बहुत बढ़िया है। मूल्यांकन में से आपके 4 या 5 प्रश्न आते हैं आपको पता है, उधर शिक्षण विधियों में आपके 5 प्रश्न पूरा जितना इतना बखेड़ा है वो।
उधर अपने भाषा कौशलों में भी ज़्यादा प्रश्न नहीं, अपने 300 क्वेश्चन किए, वहाँ पर भी आपके वही 5 क्वेश्चन है और यहाँ पर भी आपके 5 क्वेश्चन है। मूल्यांकन के प्रश्न संस्कृत में कैसे आते हैं उन्हीं को केवल टारगेट करेंगे, संस्कृत के साथ हिंदी में पूछे जाने वाले प्रश्नों को भी हम टारगेट करेंगे। क्लास को लाइक शेयर करके आगे बढ़ाएं। सुनिएगा आगे, मूल्यांकन से विशेषता नास्ति, कौन से मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? सतत निरंतर प्रक्रिया है, मूल्यांकन करते मापन जरूरी है, मूल्यांकन का क्षेत्र सीमित होता है और मूल्यांकन गुणात्मकम भवति, और मूल्यांकन गुणात्मक होता है। इन सारे विशेषताओं को यदि आप खुली आंखों से देख रहे हो, इनमें से उत्तर आपका मिल गया होगा कि मूल्यांकन का क्षेत्र सीमित होता है, ये गलत बात है। मूल्यांकन का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। मूल्यांकन से प्रकार संति, मूल्यांकन के कौन से प्रकार हैं? औपचारिक अनौपचारिक प्रकार भी होता है, परिमाण गुणात्मक भी होता है, और जो आपका प्रश्न आया था ना एक बार, वो मूल्यांकन के चार जो प्रकार स्वीकार किए थे उसमें नियुक्ति, रूपक, दोष निर्णय और संकलन भी होता है, आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन भी होता है। तो किसी भी प्रकार से आप मूल्यांकन को बांटिएगा, ये सभी किसी न किसी रूप में मूल्यांकन के प्रकार हैं। मानक आधार, मानक के आधार पर मूल्यांकन की प्रविधियाँ कौन सी है? जिनको आप मानक यानी माप सकते हैं वो प्रमापीकृत, नहीं माप सकते वो अप्रमापीकृत, इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ए तथा ब दोनों। तो मापने के आधार पर कुछ प्रमापीकृत होती हैं जिनको आप स्टैंडर्ड से माप सकते हैं, जिनको नहीं माप सकते वो अप्रमापीकृत होती है। परिमाणात्मक मूल्यांकन अंतर्गत, यानी जो संख्यात्मक परिमाणात्मक परिमापात्मक मूल्यांकन होता है उसके अंतर्गत न आयाती ईएम परीक्षा, कौन सी परीक्षा नहीं आती है? परिमाणात्मक में मौखिक, लिखित और प्रायोगिक आती है, लेकिन साक्षात्कार आपका गुणात्मक परीक्षा के अंतर्गत आता है। इसका संबंध परिमाण से नहीं होकर के, संख्यागत या ज्ञानात्मक पक्ष से नहीं होकर के, भाव पक्ष से होता है, इसलिए गुणात्मक है। मौखिक परीक्षायाम नास्ति, मौखिक परीक्षा में क्या नहीं है? श्लाका आती है, शास्त्रार्थ, संवाद, भाषण, पाठ्यांश का वाचन और प्रश्नावली, 6 मौखिक परीक्षा के मुख्य वेद हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षा मौखिक में नहीं आती श्रीमान, ये किस में आती है? आपकी लिखित परीक्षाओं में आती है। कमेंट्स करके उत्तर लगातार देते रहें और बुलेट ट्रेन में आप सवारियों को भरते रहें, ईंधन भी देते रहें। वस्तुनिष्ठ जो परीक्षा होती है उसमें कैसे प्रश्न नहीं होते हैं? नहसु, कैसे प्रश्न नहीं होते? प्रतिविज्ञान होते हैं, प्रत्यास्पण होते हैं, लघुतरात्मक प्रश्न नहीं होते हैं, क्योंकि वस्तुनिष्ठ परीक्षा नहीं होती। लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक और निबंधात्मक, ये निबंधात्मक परीक्षा के पार्ट हैं। बाकी सभी वस्तुनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ, निश्चित उत्तरात्मक परीक्षाएं हैं, जबकि लघुतरात्मक निबंधात्मक परीक्षाएं होती हैं। कौन सी बात सही नहीं है अभी देखते हैं। प्रत्यविज्ञान प्रश्न, बहुविकल्पात्मक प्रश्न, एकांतर अनुक्रिया, सत्य सत्य वाले और मिलान पद, विभेदात्मक प्रश्न, और प्रत्यास्पण प्रश्न, सरल प्रत्यास्पण प्रश्न, रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्रतिविज्ञान और अति लघुतरात्मक प्रश्न, ये गलत है। यहाँ पर थोड़े ऑप्शन भी कटे हुए हैं, आप समझिएगा। ये सभी वस्तुनिष्ठ परीक्षा के भेद हैं, ये भी वस्तुनिष्ठ परीक्षा के भेद हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्रतिविज्ञान तो आता है लेकिन अति लघुतरात्मक नहीं आता है, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका समीचीन नहीं है, क्योंकि अति लघुतरात्मक का संबंध किससे होता है? निबंधात्मक से। तो ये भी वस्तुनिष्ठ है, ये भी वस्तुनिष्ठ है। निबंधात्मक परीक्षा में अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक, निबंधात्मक, 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी सही है। आपका ऑप्शन नंबर 3 गलत है। वस्तुनिष्ठ में प्रतिविज्ञान तो आ जाएगा लेकिन अति लघुतरात्मक नहीं आता है, थोड़ा बड़ा था इसलिए प्रश्न में यहाँ वैसे कट गए। वस्तुनिष्ठ परीक्षा या गुण है नास्ती, निश्चित उत्तरात्मक परीक्षा का गुण क्या नहीं होता? विश्वसनीय होती है, वस्तुनिष्ठ होती है, विवेदनशील होती है, व्यापक होती है, परीक्षण या अंकन में न्यून समय लगता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये बात जमी नहीं कि लेखन अभिव्यक्ति का परीक्षण इससे नहीं हो सकता। लिखने का अवसर मिलता ही नहीं है, लिखने की अभिव्यक्ति का अवसर लेखन कला का तो हमें निबंधात्मक परीक्षा से ही पता चलता है, इससे पता नहीं चलता है। सभी को बहुत बहुत प्यार प्रेम, बीकानेर के छोरों को भी नमस्कार भाई। वस्तुनिष्ठ परीक्षा या दोष है, जो निश्चित उत्तरात्मक परीक्षा है आसाराम भाई, उसका क्या दोष है? प्रश्न पत्र निर्माण में विशेष प्रशिक्षण और बहुत अधिक समय की आवश्यकता होती है, बात तो सही है, ये भी दोष है, बहुत टाइम लगता है। अनुमान यानी तुक्केबाजी का, जो आप रीट परीक्षा में मार के आने वाले खटाक से, वो भी प्रॉब्लम है। लिखित अभिव्यक्ति का अपरीक्षण यानी लिखित अभिव्यक्ति का परीक्षण नहीं होता, ये भी बात सही है। तीनों के तीनों ही वस्तुनिष्ठ परीक्षा के दोष है। कुल मिलाकर के आपका उत्तर हो जाएगा सर्वे। मूल्यांकन पढ़ा रहा हूं, वादा करता हूं आपसे कि जितनी मेहनत मैंने करी है ईश्वर कभी मेरे साथ आज तक नाइंसाफी नहीं करा हो, भाग्य मेरा रूठा भली हो लेकिन कर्म से मैंने हमेशा भाग्य को जीता है। ये सारी मेहनत आप लोगों के लिए करी है ना, तो आज की परीक्षा के मूल्यांकन के बाद हमारे साहित्य को मूल्यांकन का प्रश्न भर जाएगा, इसलिए आंखें फाड़ के, ध्यान दे करके और थोड़ा सीखने की इच्छा से, कुछ नया मिले, अजीब मिले, उसको लिखने का, किसी डेफिनेशन को या कोई भी कोई विशेष वस्तु इस परीक्षा का प्रवर्तक कौन है, मूल्यांकन मापन परीक्षा में संबंध ग्राउंड रूल ने बताया तो वो सब आप लिखते भी चलना करना। पाठ्य पुस्तक से बाह्य विशेषता नास्ती, पाठ्य पुस्तक की बाह्य विशेषता, ये कहाँ से आ गया बीच में यार,
बाह्य विशेषता कौन सी नहीं है? आकार आवरण दोनों है, मुद्रण शीर्षक होता है, मूल्य और मुखपृष्ठ भी होता है, लेकिन आदर्शवादिता और रोचकता ये बाह्य विशेषताओं में नहीं आती, किताब की आंतरिक विशेषताओं में आती है। किताब के भी प्रश्न थे इसमें, लेकिन थोड़ा समय नहीं होने से मैंने काट दिया है। ये क्या कर दिया इसने यार? धन्यवाद है भाई साहब, उसको डबल क्या बीच में प्रश्न काय ले दिया भाई। लिख लो उसमें लास्ट के दो तीन प्रश्न कटवाने उसे लिखा करो। निबंधात्मक परीक्षा का गुण नहीं है, निबंधात्मक परीक्षा की बात करें इसमें विस्तृत उत्तर होता है, इसमें सृजनात्मकता कल्पना शक्ति लिखित अभिव्यक्ति का परीक्षण होता है, बातों से ये गुण है। परीक्षा निर्माण में न्यून समय लगता है, दो तीन प्रश्न बनाने से काम हो जाता है, बातों से ये भी गुण है। व्यक्तिगत विचारों का ज्ञान होता है, ये भी गुण है, लेकिन सर ये इसका दोष है कि ये विश्वसनीय नहीं होती, बल्कि क्या होती है? अविश्वसनीय होती है, क्योंकि बार बार चेक करने पर इनके परिणाम कभी स्थायी नहीं आते, इसलिए इसका गुण नहीं सर, इसका दोष है, ये होता ही नहीं है, विश्वसनीयता इसमें पाई नहीं जाती। निबंधात्मक परीक्षा या दोष अस्ति, निबंधात्मक परीक्षा का दोष क्या है? निबंधात्मक परीक्षा का कौन कौन से दोष हैं? यह अविश्वसनीय है क्योंकि रिजल्ट्स कभी समान नहीं आते, अवैध हैं जिसके लिए हम ये परीक्षण बनाते हैं उस उद्देश्य की पूर्ति के अलावा भी कुछ और होता है, अंकन में ज़्यादा समय लगता है, जांच करने में बहुत टाइम लगता है, अव्यापक है क्योंकि संपूर्ण वाली वस्तु से हम प्रश्न नहीं ले पाते हैं, व्यक्तिनिष्ठ है, चेक करने वाले की भावनाओं का बहुत फर्क पड़ता है, व्यक्ति का प्रभाव पड़ता है। कुल मिलाकर के बात करें तो सर्वे दोषा संति, सभी दोष इसमें पाए जाते हैं। 1304 का जो प्रश्न है, समीचीनम नास्ति, कौन सा सही नहीं है, गलत को छाटना है। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो निश्चित उत्तरात्मक होते हैं, बिल्कुल सही बात है। अति लघु उत्तरात्मक जो प्रश्न है उसका दो तीन शब्द या एक पंक्ति में उत्तर होता है, बिल्कुल सही बात है। लघु उत्तरात्मक में चार पांच पंक्ति होती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सर निबंधात्मक परीक्षा में एक पंक्ति में कभी भी उत्तर नहीं होता, इसका कहे अनुसार बड़ा विस्तृत व्यापक उत्तर होता है। कहते हैं मूल्यांकन का प्रकार कौन सा नहीं है, आपने सतत और व्यापक मूल्यांकन, ये मूल्यांकन के बहुत प्रकार है सर, दो प्रकार, तीन प्रकार, चार प्रकार, लेकिन आपसे सवाल करूंगा मैं कि परीक्षा में है तो क्या माने, ऐसा भी आपके दिमाग में चल रहा होगा। क्लास के लास्ट में 247वां क्वेश्चन जब हल करवाऊंगा, जो बना रहेगा उसी को बता के जाऊंगा कि परीक्षा में आ जाए मूल्यांकन के प्रकार तो दो लिखेंगे, तीन लिखेंगे, चार लिखें। देखो मूल्यांकन का एक प्रकार और है, निर्माणात्मक होता है, निदानात्मक और संकलनात्मक होता है, अभिवृत्तियात्मक कोई मूल्यांकन नहीं होता है। सीसी के अंतर्गत आप निर्माणात्मक रचनात्मक आकलन करते हो, संकलात्मक योगात्मक करते हो और निदानात्मक भी करते हो, तो सभी माने जाते हैं। ये अच्छा प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ जो होती है लिखित परीक्षा उसका सूत्रपात करता कौन है, दो प्रश्न हम करेंगे, इसके बाद एक प्रश्न और आएगा कि वस्तुनिष्ठ जो लिखित परीक्षाओं का सूत्रपात करने वाले आदरणीय महान आत्मा का नाम क्या है, J.M. राइस है। तो वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा का सूत्रपात तो J.M. राइस ने किया, लेकिन जो आपका वस्तुनिष्ठ शब्द होता है उस वस्तुनिष्ठ शब्द का पहली बार उच्चारण करने वाले कौन है, आपके होरांस मैन है। तो सर सबसे पहले वस्तुनिष्ठ शब्द किसने दिया, होरांस मैन ने, और वस्तुनिष्ठ को आधार मानकर लिखित परीक्षाओं का आयोजन किसने किया था, J.M. राइस ने किया था। ब्लूम औदे के अनुसार शैक्षिक प्रक्रिया अस्थि, ब्लूम औदे के अनुसार शैक्षिक प्रक्रिया कैसी है, ब्लूम ने कहा था कि शैक्षिक प्रक्रिया के तीन आयाम है, शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण के अनुभव और मूल्यांकन, तो त्रिआयामी प्रक्रिया इन्होंने कहा था, किसने, ब्लूम। ये अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में आता है। देखो त्रिआयामी कौन नहीं है, तो सबसे पहले हम उद्देश्य निर्धारित करते हैं, फिर अधिगम के अनुभव के लिए शिक्षण कार्य करवाते हैं, और फिर हम मूल्यांकन करते हैं। कुल मिलाकर के कौन नहीं है, बोला सभी है इसमें, तो उद्देश्य, अनुभव और मूल्यांकन तीनों के तीनों ही त्रिआयाम है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता है पूछा है सर इसमें, वेदता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, विश्वसनीयता होती है, यानी सारी की सारी विशेषताएं इसमें पाई जाती हैं। जिसके लिए किया जाए आपका मूल्यांकन उसके ही मूल्यांकन किया जाता है। वस्तुनिष्ठ इसलिए है क्योंकि निश्चित उत्तरात्मक होती है, निश्चित उत्तर होता है, छोटा उत्तर होता है। विश्वसनीय इसलिए होती है क्योंकि बार बार चेक करने पर भी रिजल्ट्स में फर्क नहीं आता है। इन तीनों का नाम क्यों लिया मैंने, परिभाषा क्यों बताई, क्योंकि सीधा प्रश्न भी परीक्षा में आता है, आगे मैंने बना रखे इनके प्रश्न, तो ये सारी विशेषताएं इसमें पाई जाती है वस्तुनिष्ठ में, जबकि तीनों चीजें निबंधात्मक में नहीं है। ये देखिए आपका प्रश्न आ गया सब आपके सामने, अब दिक्कत क्या है, मैं देखो जैसा परीक्षा में आया है जैसा माना है वैसे बता के जाता हूँ, वैसे मैं इसको लास्ट में बताना चाह रहा था आप सब लोगों को। परीक्षा में प्रश्न आया था कि मूल्यांकन के भेद कितने हैं, हम ज्यादातर अब तक जो पढ़ते हैं उसमें दो पढ़ते हैं, लेकिन वहां कितने लिखे थे, चार भी लिखे हैं। अब मैंने देखा वापस आंसर की चेक करी है, उसने सर जो हमारी रीट भर्ती परीक्षा में आ चुका है वो प्रमाण है, उसलिए कह रहा हूं मैं आपको। अभी मैंने वापस इनको देखा क्योंकि बार बार आप लोग प्रश्न करते हैं, हम भी जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सर उसने चार को उत्तर माना था, वही आपका संकलन, रूपक, व्याधि निर्णय और
एक और है दोष निर्णय, संकलन, रूपक और नियुक्ति, उन चार वाले को उत्तर माना था भाई, उसमें आप देखना एक बार आंसर की को वापस। तो मूल्यांकन के भेदों में उसने दो को स्वीकार नहीं किया, उसका कारण हो सकता है कि किसी शिक्षा शास्त्री ने विशेष रूप से कहा है इसलिए चार को स्वीकार किया है, तो हम भी ठीक है जैसा भी, हम भी चार को स्वीकार कर लेंगे, जो आ गया वो प्रमाण है और हमारे संस्कृत के पेपर में यह सवाल है। एक बार और इसकी आंसर की आप भी देखना ताकि आपका मन भी संतुष्ट हो। मैंने देखा तो उसने चार को उत्तर माना, तो ठीक है हम भी चार मान लेंगे। मौखिक परीक्षा या प्रकरणाएं संति, सर मौखिक परीक्षा के प्रकार कौन है? श्लाका परीक्षा, ग्रंथ में हम डालते हैं कोई श्लाका और उसे उद्घाटित करके, भाषण भी बोलकर मौखिक में आता है, शास्त्रार्थ वाद विवाद भी मौखिक में आता है, कुल मिलाकर के सभी आपके क्या हैं? मौखिक परीक्षा के भेद हैं। चार ही मानेंगे सर, तीन तो मानना ही नहीं है। तीन जब आए ऑप्शन में तब हम स्वीकार करेंगे भाई, निदानात्मक, संकलनात्मक और योगात्मक। निबंधात्मक परीक्षा अपेक्षा विश्वसनीय का वह परीक्षा, निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा कौन सी परीक्षा को ज्यादा विश्वसनीय मानते हैं? तो सर निबंधात्मक की अपेक्षा हम वस्तुनिष्ठ परीक्षा को ज्यादा विश्वसनीय मानते हैं। आगे है आपका 14वां सवाल है, लिखित परीक्षायां प्रश्नः सन्ति, जो लिखित परीक्षा होती है उसमें कैसे कैसे प्रश्न है? वस्तुनिष्ठ भी होते हैं, निबंधात्मक भी होते हैं, निबंधात्मक का एक भेद लघुतरात्मक भी होते हैं, कुल मिलाकर के सभी प्रकार के प्रश्न हैं, मोटे मोटे आपके वस्तुनिष्ठ और निबंधात्मक होते हैं, निबंधात्मक का एक भेद लघुतरात्मक भी होता है। ये देखिए फिर आपका प्रश्न आ गया, शिक्षण में मूल्यांकन के कितने भेद हैं? इस बार दो को गायब ही करके परीक्षा में दिया, इसलिए चार का थोड़ा प्रामुख्य देखा गया है कि परीक्षा में पूछे मूल्यांकन का भेद कितना है, तो दो ऑप्शन में ही नहीं दिया, इसका मतलब चार की प्रमुखता मानी गई है। वो सामान्य भेद रूप में व्यवहारिक भेद हैं, इस शास्त्र सम्मत शिक्षा शास्त्र के भेद, इसलिए शायद इसको प्राथमिकता दी है। संस्कृत मूल्यांकन हेतु, तो संस्कृत का मूल्यांकन करने के लिए कैसे हेतु तो प्रश्नाभवेयु, कैसे प्रश्न होने चाहिए? सभी प्रकार के प्रश्न होने चाहिए, निबंधात्मक भी हों, लघुतरात्मक भी हों, अति लघुतरात्मक भी हों, वस्तुनिष्ठ भी हों, सभी होने चाहिए। तो समन्विता का मतलब समन्वित सामूहिक प्रश्न होने चाहिए, मिले जुले प्रश्न होने चाहिए, समन्वित प्रश्न होने चाहिए। कहते हैं कि मूल्यांकन संकल्पना, जो मूल्यांकन है उसको त्रिआयामी समूह नास्ति, उसके त्रिआयाम ब्लूम ने कहे हैं, उन त्रिआयाम में कौन नहीं है? देखो सर शिक्षण कार्य शिक्षण करवाते हैं, व्यवहार अनुभव देते हैं, मूल्यांकन भी करते हैं और व्यवहार परिवर्तन भी देखा जाता है, यानी उद्देश्य शिक्षण और ये दोनों एक ही है, वैसे यहाँ उद्देश्य होना चाहिए था एक ही बात है, लेकिन शिक्षण कहो या व्यवहार परिवर्तन को बात एक ही है, मूल्यांकन भी है, लेकिन उसमें व्याख्या का नाम नहीं आता। तो शिक्षण के उद्देश्य या शिक्षण, व्यवहार परिवर्तन और मूल्यांकन तो है लेकिन व्याख्या नहीं, उद्देश्य नहीं है कोई बात नहीं, दूसरे वाले को शिक्षण और व्यवहार परिवर्तन एक ही बात है, शिक्षण और व्यवहार परिवर्तन या अधिगम के अनुभव एक ही बात है। संस्कृत में मूल्यांकन प्रयोजन मस्ती, संस्कृत में मूल्यांकन का क्या प्रयोजन है? विषय ज्ञान की परीक्षा करते हैं, बात तो सही है, अग्रिम कक्षा में क्रमोन्नति भी होता है, भाषा के प्रति रुचि जागरण भी होता है, लिपि का सम्यक ज्ञान भी होता है, लेकिन हकीकत बात क्या है सर, संस्कृत के क्षेत्र में इन चारों ऑप्शन में से जो सबसे ज्यादा सही होगा कि संस्कृत के क्षेत्र में मूल्यांकन का वास्तविक उद्देश्य क्या होगा। वैसे तो सारी चीजें सही है लेकिन हमारा विशेष टारगेट क्या होना चाहिए कि संस्कृत में इसका प्रयोजन क्यों करें? तो जितना सीखे हैं उस विषय का ज्ञान होना चाहिए, विषय ज्ञान का क्या होना चाहिए? परीक्षण, ये भी ठीक है लेकिन ये सब गौण प्रयोजन है, विशेष आपका विषय ज्ञान का परीक्षण है, बालक ने कितना सीखा है, विषय प्रवेश कितना हुआ है। पाठ उपरांत मूल्यांकन, दो प्रकार के मूल्यांकन होते हैं, एक तो पाठांतर्गत मूल्यांकन जो पाठ के साथ लगातार चलता है, एक होता है पाठ उपरांत, उपरांत मतलब बाद में, तो सर पाठ के पठनात अनंतरम, पाठ के पढ़ने के बाद। दूसरी बात ये भी याद रखना, अनंतर माना बाद में होता है, इसके योग में पंचमी का प्रयोग होता है, भोजनात अनंतरम, स्नानात अनंतरम, ये भी एक अच्छी चीज है, इसको भी आप ध्यान रखें। तो पाठ उपरांत का मतलब है सर पाठ से पठनात अनंतरम, और पाठ का जो अंतर्गत होता है ना वो पाठ के साथ ही चलता है, पढ़ता है पाठ से। शिक्षण से प्रक्रिया या सफलता या ज्ञानम, शिक्षण प्रक्रिया की सफलता का जो ज्ञान होता है, शिक्षण की प्रक्रिया कहाँ तक सफल हुई, शिक्षण के उद्देश्य कहाँ तक प्राप्त हुए, इन सब का ज्ञान हमें जिस प्रक्रिया से होता है उसका नाम मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन से ही हमें सब पता चलता है कि हम कितने शिक्षण में सफल हैं। श्रेष्ठ मूल्यांकन से गुणा, श्रेष्ठ मूल्यांकन का गुण क्या है? विश्वसनीय होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, वेद होना चाहिए, कुल मिलाकर के सारे ही गुण होने चाहिए, ये सभी श्रेष्ठ और अच्छे मूल्यांकन के गुण कहे गए हैं। रिक्त स्थान पूर्ति, सत्य असत्य का निर्णय, बहु समाधान प्रश्न, ये सभी प्रकार कस्या परीक्षाया, सर रिक्त स्थान की पूर्ति करो, सत्य असत्य करो, बहु विकल्प जो आप न्यू टाइप क्वेश्चन बैंक देते हो, ये सभी निश्चित उत्तरात्मक होने के कारण आपकी वस्तुनिष्ठ परीक्षा के भेद माने जाते हैं, जबकि अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक और वो सब आपकी निबंधात्मक परीक्षा के भेद हैं। कहते हैं मूल्यांकन छात्र से, मूल्यांकन से छात्र की पूर्णतया किम मापे तुम शक्यते, मूल्यांकन के द्वारा एक छात्र का संपूर्ण रूप में क्या माप सकते हो? सर मूल्यांकन के द्वारा बच्चे का सर्व अंग, सर्व पक्ष, सर्वविध, हर प्रकार से बच्चे का बहुविध मूल्यांकन कर सकते हो,
सभी पक्षों को समाहार रूप में हम एक शब्द में क्या कहते हैं, व्यक्तित्व कहते हैं। तो व्यक्तित्व का मापन कर सकते हैं, व्यक्तित्व को समझ सकते हैं किसके द्वारा, मूल्यांकन। परीक्षा होती तो मैं यहां कुछ ज्ञान व्यान कहता भाई, ज्ञान के द्वारा। बहु श्लोक कंठस्थीकरणम कस्याम परीक्षायाम अपेक्षते, बहुत अधिक श्लोक याद करना है। क्यों भाई, क्या जरूरत पड़ गई बहुत अधिक मीनिंग याद करने की, श्लोक याद करने की? तो आपका उत्तर होना चाहिए सर, अंत्याक्षरी परीक्षायाम। अंत्याक्षरी करते समय दोहे के अंत्याक्षरी हिंदी में, संस्कृत के अंत्याक्षरी श्लोकों में या मीनिंग में ऐसे होती है। साक्षात्कार वा क्या परीक्षा, साक्षात्कार जो होती है उसमें कौन सी परीक्षा का आयोजन किया जाता है, साक्षात्कार में कौन सी परीक्षा का आयोजन किया जाता है? वस्तुनिष्ठ तो हो नहीं सकती, मौखिक परीक्षा होती है क्योंकि बोला जाता है, निबंधात्मक परीक्षा भी नहीं है, निदानात्मक भी नहीं है। हालांकि इसका विशेष रूप से जो संबंध है वो गुणात्मक प्रविधि से है, लेकिन साक्षात्कार का मतलब एक चर्चा होती है जो एक प्रकार से मौखिक परीक्षा का रूप होती है। वैसे साक्षात्कार आपका गुणात्मक परीक्षा का एक रूप होता है, इसलिए हम साक्षात्कार की परीक्षा को कहां रखते हैं, उसको हम गुणात्मक परीक्षाओं में रखते हैं, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आपको मौखिक परीक्षा, क्योंकि उस सब में सारा कार्य बोलकर होता है, कोई लिखा पढ़ी नहीं होती है। संस्कृत शिक्षण में मूल्यांकन से प्रयोजन, संस्कृत शिक्षण में मूल्यांकन का क्या प्रयोजन हो सकता है, सामान्य शिक्षण, प्रशिक्षण, विश्लेषणात्मक शिक्षण या उपचारात्मक शिक्षण? प्रत्येक मूल्यांकन का अंतिम लक्ष्य यही होता है, बच्चे की शिक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान करना, उसके लिए उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना, सीखने की गति को बढ़ाना, उसमें अधिगम समस्याओं का समाधान करना। तो मूल्यांकन का फाइनली प्रयोजन होता है उपचारात्मक रिमेडियल शिक्षण टीचिंग। परिष्कृत प्रश्न पत्र निर्माण के अवसर पर, जब भी कोई अच्छे प्रश्न पत्र का निर्माण करते हैं तो किसकी किसकी उपादेयता है, किसकी उपयोगिता है? तो सर तीन पक्ष कहते हैं, किसी भी प्रश्न पत्र के निर्माण के तीन प्रमुख पक्ष बताए गए हैं। किसी भी प्रश्न पत्र के निर्माण के तीन पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक पक्ष का ध्यान रखते हैं, अवबोधात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, तीनों ही पक्षों का ध्यान रखा जाता है। आगे प्रश्न भी आएगा आपके लिए, तो ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक और क्रियात्मक, हालांकि चार उद्देश्य होते हैं, उसमें कौशलात्मक भी आपका जुड़ जाएगा, वो प्रश्न अलग है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रकार हैं, बहुसमाधान प्रश्न, रिक्त स्थान पूर्ति के और सत्य सत्य, कुल मिलाकर के ये सारे प्रश्न ही आपके बहुसमाधान, समझ रहे हो ना, बहुविकल्पात्मक को बहुसमाधान कहते हैं। तो सारे ही आपके वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रकार हैं, भेद हैं। छात्र से ज्ञानात्मक परीक्षण करतुम सके, अच्छा प्रश्न परीक्षा में रिपीट होता कई बार हुआ है कि बालक की ज्ञान की कितना जानता है का परीक्षण आप किससे करते हैं? सर कितना जानता है का परीक्षण हमेशा परीक्षा से होता है, और बालक कैसा है का परीक्षण हमेशा मूल्यांकन से होता है। तीसवां प्रश्न है, संस्कृत शिक्षण मूल्यांकन से साधन भूता भवंती, संस्कृत शिक्षण में मूल्यांकन में कौन कौन सी चीजें साधन रूप में होती हैं? बुद्धि परीक्षा करते हैं, अभिरुचि परीक्षा करते हैं, आसक्ति परीक्षा करते हैं, कुल मिलाकर के सारी की सारी प्रविधियां हैं। इन सभी के द्वारा जिस जिसकी परीक्षा करते हैं वो सब अपने अपने क्षेत्रों की परीक्षा करने के बाद सामूहिक रूप से इसका आधार बनती है मूल्यांकन का। परीक्षा प्रत्येक क्षेत्र की अलग अलग ली जाती है, सभी परीक्षाओं का योग ही आगे जाकर मूल्यांकन का रूप धारण करता है। लघु कास्ट, छोटी सी लकड़ी, पेन, लोहे आदि की, चांदी, सोने की कोई छोटी मोटी आप कास्ट लेते हैं, एक छड़ लेते हैं और उसके द्वारा परीक्षण का आयोजन करते हैं, ऐसी परीक्षाओं का नाम शलाका परीक्षा होती है। कोई भी आपकी किताब है और उस किताब के किसी ग्रंथ विशेष में हम कई बार जो छड़ होती है उसको ऐसे डाल के निकालते हैं, तो लघु कास्ट खंड का व्यवहार शलाका परीक्षा में काम आता है। डाला जो पेज निकल गया वहीं से सवाल करना प्रारंभ कर देते हैं। शिक्षण विधि नाम सीमकरण नहीं होता सर, ये समीकरण होता है, थोड़ा गलत टाइप है। शिक्षण विधियों के समीकरण में शिक्षा स्तर से उन्नति करने चाहिए, शिक्षण विधियों के भली भांति प्रयोग करने में, शिक्षा स्तर के उन्नति करने में सबसे ज्यादा सहायक कौन होता है? शिक्षण विधियों का भली प्रकार प्रयोग किया जाए इसके लिए और शिक्षा स्तर बच्चों का बढ़े, शिक्षण का स्तर बढ़े, इसके लिए कौन आधार बनता है? आपका मूल्यांकन। मूल्यांकन हमें यह बताता है कि कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए और कैसी शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए जिससे आगे जाकर बालक का अधिगम और शिक्षण दोनों ही सफल हों। छात्र नाम गृह कार्य से मूल्यांकन भवितुम शक्यते, बच्चों के होमवर्क का मूल्यांकन किससे होता है? बाहरी मूल्यांकन या साक्षात्कार से नहीं होता श्रीमान, आंतरिक मूल्यांकन के द्वारा बच्चों के होमवर्क का परीक्षण हो सकता है। तो छात्रों का जो होमवर्क है उसका निर्माण किससे होता है? आंतरिक मूल्यांकन से कहा गया है। शलाका परीक्षा भवती, शलाका जो परीक्षा होती है जिसमें हम किसी शास्त्र में छड़ को लकड़ी की, सोने की, चांदी की या जिसकी भी छड़ हो, लकड़ी की भी बोला ना कास्ट की, तो उसको निकाल करके जो हम बोलते हैं कि बोल 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 बोल, तो शलाका शास्त्रार्थ, वाद विवाद, प्रश्नावली दोनों में आती है। इसी प्रकार पठितंश का वाचन आदि, ये सारी भाषण भी आपका शलाका, सब मौखिक परीक्षा में आता है। ये प्रश्न भी अच्छा प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से। नमस्कार भैया, रणथंबोर के बाग भैया विकास जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। छात्र नाम दैनिक कार्याणाम, छात्रों के दैनिक कार्य सर्वासाम परीक्षणानाम से मूल्यांकन भवेत,
छात्रों के दैनिक कार्य का और सभी प्रकार के परीक्षणों का मूल्यांकन किससे होता है? सारे के सारे दिन भर में जो काम किए हैं उनका सभी का मूल्यांकन और सभी प्रकार से मूल्यांकन, तो भाई साहब एक ही काम हो सकता है, सतत मूल्यांकन से हो सकता है। दिन भर के क्या क्या काम किए, तो हमें हर जगह का मूल्यांकन यदि करना हो तो उसका मूल्यांकन बताइए, सभी का परीक्षण और सभी का मूल्यांकन किससे हो सकता है? सतत मूल्यांकन से हो सकता है। कहते हैं संस्कृत में मौखिक परीक्षा के द्वारा कस्य कौशलस्य मूल्यांकनम कर्तुम न शक्यते, न शक्यते। मौखिक परीक्षा के द्वारा, केवल मौखिक परीक्षा का आयोजन करके किसको नहीं देख सकते आप, किसका नहीं कर सकते? मौखिक परीक्षा का, सुनने का, भाषण का, पठन का तो कर सकते हैं, लेकिन किसका नहीं कर सकते आप? लेखन का नहीं कर सकते। मौखिक परीक्षा में सुनना भी हो सकता है, भाषण भी हो सकता है, पढ़ना वाचन भी आ सकता है, लेकिन लेखन का मूल्यांकन मौखिक परीक्षा के द्वारा बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। इसका करने के लिए तो आपको लेखिक लेखन कार्य लिखित परीक्षा का आयोजन करना ही पड़ेगा। कहते हैं छात्र, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, ये रामजी प्रश्न आज का पहला, याद रखना सर, ये परीक्षा में बहुत रिपीट होता है कि छात्रों की सुलेख, लेखन शैली और अभिव्यक्ति की परीक्षा कैसे प्रश्नों से होती है। तो ज्ञान की परीक्षा वस्तुनिष्ठ करते हैं, लेकिन लेखन कला का विकास, लेखन की अभिव्यक्ति, लेखन के अवसर, अपने मन भावों को प्रकट करना, ही निबंधात्मक प्रश्नों में होता है। बहुत प्यारा प्रश्न है, जहां तक समस्याओं में परीक्षा में रिपीट होता है। छात्रों का जो ज्ञानात्मक क्षेत्र है, ज्ञानात्मक का मतलब कितना जानता है, कितना जानता है, ऐसे ज्ञान का पता हम किससे करते हैं? तो ज्ञानात्मक क्षेत्र के लिए बताइए कौन से परीक्षण किए जाते हैं, परीक्षा की जाती है। जबकि अवबोधात्मक और मनोशारीरिक, अवबोधात्मक और क्रियात्मक, क्रियात्मक के लिए आप प्रायोगिक परीक्षाएं लेते हैं, ज्ञान के लिए आप परीक्षण करते हैं, परीक्षाएं लेते हैं, और भावात्मक रूप से निर्णय देने के लिए बालक कैसा है ना, रामकुमार कैसा है के लिए मूल्यांकन, और रामकुमार कितना जानता है ज्ञान के लिए मेरा परीक्षण या परीक्षा ली जाएगी। शिक्षक है स्वशिक्षण से, शिक्षक अपने शिक्षण का मूल्यांकन आए, मूल्यांकन के लिए छात्रेभ्य किम प्रददाति, शिक्षक अपने शिक्षण के मूल्यांकन के लिए कि मैंने कितना पढ़ा दिया, कितना सिखा दिया, मेरा शिक्षण कैसा हुआ, इसका मुझे ज्ञान करना है, तो इसके लिए बच्चों को क्या दे दे, गृह कार्य, भ्रमण कार्य, पठन कार्य, श्रवण कार्य। तो सर गृह कार्य देना चाहिए, गृह कार्य से बच्चा घर जाकर काम करता है, यदि कर लिया इसका मतलब बच्चा सीख लिया तो मेरा शिक्षण सफल, और गृह कार्य बच्चा नहीं कर सका, अनुसंधान करके बच्चा प्रश्नों के उत्तर नहीं खोज पा रहा है, इसका मतलब आपका शिक्षण असफल है। अतुल लघुतरात्मक जो प्रश्न पूछे जाते हैं, निबंधात्मक परीक्षा का प्रकार है, वहां उत्तर सीमा क्या हो। अति लघुतरात्मक में या तो आप क्या करें, दो या तीन शब्द कहें, या तो दो या तीन शब्द केवल बस, या फिर एक वाक्य आपका उत्तर हो सकता है। चार से पांच वाक्य की बात करें तो लघुतरात्मक, और विस्तृत उत्तर हो तो फिर आपकी निबंधात्मक। तो अति लघुतरात्मक में दो या तीन शब्द या एक वाक्य लगभग होता है। निबंधात्मक परीक्षा अपेक्षा का परीक्षा विश्वसनीय, अरे निबंधात्मक परीक्षाओं की दृष्टि में कौन सी परीक्षा को विश्वसनीय कहा जाता है? निबंधात्मक परीक्षाओं के रिजल्ट समान नहीं होते, लेकिन वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के रिजल्ट हमेशा समान होते हैं, इसलिए विश्वसनीयता का गुण वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में माना जाता है। क्लास को प्यार प्रेम दे, आगे बढ़े। मूल्यांकन जैसा टॉपिक जो आग लगा देता है जमाने में। लघुतरात्मक प्रश्नानाम, देखो लघुतरात्मक प्रश्नों की उत्तर की सीमा, एक वाक्य में अति लघुतरात्मक होता है, जबकि तीन या चार वाक्य का यदि उत्तर हो, कितना, तीन या चार जो वाक्य लिखते हो आप लोग, तो तीन या चार वाक्यों का, वाक्य त्रयम, वाक्य चतुष्टयम, वो आपका प्रश्न कैसा होता है, लघुतरात्मक प्रश्न होता है। बात करें दूरदर्शन प्रणाली द्वारा शिक्षण का, कुछ हिंदी के प्रश्न है यहां से लेकर के लगभग आपके 60-70-80 प्रश्न। अब यहां से आप समझना, थोड़ी गति में और बढ़ा देता हूं, वैसे खूब गति है मेरी, आप लोग कई बार लाइव नहीं आते थे गुरु जी, बाद में देखते स्पीड बढ़ा के, अब बढ़ाओ स्पीड, अब स्पीड बढ़ा दोगे अब तो आपके कुछ समझ में भी नहीं आएगा। संस्कृत अनुरागी प्रियंका मिश्रा जी, बहन जी बहुत दिनों बाद आपका कमेंट दिखा है, शायद मैंने देखा नहीं हो। रेलू लाठोड़, मंजू, कैलाश, राम किशन, फनी बॉय, जय माँ सरस्वती, नमस्कार, ममता, मस्तानी छोरी, क्या बात है, दीवानी मस्तानी थी, आजकल मस्तानी दीवानी नहीं होगी, दीवानी मस्तानी छोरी हुई, अच्छा नाम रखते हैं, कुछ तो क्रिएटिविटी है आप लोगों में। प्रिया चाहर नमस्कार, तनु धनकर जी नमस्कार, आशीष जी, सपना जी, रौनक भैया नमस्कार, बहुत दिनों बाद दिखा सर आपका भी कमेंट्स। निशांत भैया नमस्कार, ओम प्रकाश भैया, आसाराम जी, नरेंद्र जाट बोई नमस्कार भैया, निशा, रिन्नू, सोनू पंडित, धौलपुर वाले भैया बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी निरंतर हमारे साथ हैं सर, अच्छा लगता है मुझे भी, मैं कम से कम ये तो कह सकूंगा ना कि परीक्षा के अंतिम घड़ी तक मैं आपके साथ था। नेट नहीं बंद हुआ ना तो मैं आपकी परीक्षा के 10 बजे से पहले एक घंटा भी लाइव आकर कुछ बात करके जाऊंगा आपसे, है कि नहीं। हालांकि आप लोग मोबाइल वोबाइल सब छोड़ के जाना है, जाना भी चाहिए, बड़े आगे हम। चलिए साहब, अच्छा समझ में आ रहा है ना, कुछ प्रश्न ऐसे तो नहीं लग रहे फालतू के प्रश्न कराए गुरु जी, कोई मजा नहीं है। मेरा वादा है आपसे, मैं हमेशा करके बोलता हूँ, लेकिन थोड़ा पहले ही बोल रहा हूँ आपसे,
कि ये सारे प्रश्न आपको परीक्षा मिलेंगे सर, मेहनत कभी बेकार नहीं जाए, और मेरी तो बिल्कुल नहीं गई। आज तक जब भी मैं मेहनत करा हूँ, मेहनत का मुझे जरूर मिला है। भाग्यशाला चाहे रूठा फूटा हो, नहीं देता हो, लेकिन किस्मत के आगे मैंने अपने कर्म को रखा, और कर्म से छीना है साहब, कर्म से प्राप्त नहीं किया जाता, कर्म से तो छीन सकते हैं, भगवान ना दे दे वो भाग्य है, लेकिन हम भगवान से छीन लें वो हमारा कर्म है। कर्म के साथ भाग्य चलता है, भाग्य के साथ कर्म नहीं चलता है। तो बड़े आगे चलो, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अब देखो ये पता नहीं कहां से बीच में टपका देते हैं हमारे भाई साहब, ये कहा है प्रश्न भाई, दूरदर्शन कहां से आ गया बीच? ये देखो आप, दूरदर्शन आ रहा है बीच, मूल्यांकन के बीच में दूरदर्शन आ गया। अगला प्रश्न है, प्रायोगिक परीक्षा या परीक्षण दे, प्रायोगिक परीक्षा के माध्यम से किसका परीक्षण किया जाता है? प्रायोगिक परीक्षा के माध्यम से किसका प्रश्न? 45 और 44% देखो सर काटो, उसको बोलना बहुत गलत काम करता है बीच बीच में। प्रायोगिक परीक्षा, ये भी अच्छा प्रश्न है, ये भी आपका दूसरा रामजी सवाल है, यहाँ आपका हमेशा परीक्षा में अच्छा प्रश्न रिपीट होता है। तो प्रायोगिक परीक्षा का जो परीक्षण किया जाता है वो हमेशा क्रियात्मक कौशल परीक्षण के लिए किया जाता है। प्रायोगिक परीक्षा का हमेशा परीक्षण किसके लिए किया जाता है? कौशल विशेष, मुझे मटका बनाना आता है, एरोप्लेन बनाना आता है, इन सब चीजों के लिए कौशल परीक्षण के लिए, कोई हुनर के लिए, कोई कलाकारी के लिए, कोई क्रिएटिविटी के लिए प्रायोगिक यानी प्रयोग आधारित परीक्षाएं ली जाती है। इसलिए विज्ञान में, इनमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा प्रयोग होते हैं आपके। संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषा में मूल्यांकन से महत्व, संस्कृत भाषा में मूल्यांकन का क्या महत्व है? प्रगति का ज्ञान, उद्देश्य प्राप्ति में सहायक, व्यक्तिगत मार्गदर्शन में सहायक होता है। कुल मिलाकर के मूल्यांकन के सभी उद्देश्य पाए जाते हैं, सभी उद्देश्य मूल्यांकन का संस्कृत में सहायता करने वाले होते हैं। मूल्यांकन से परिमाणात्मक, परिमाण को बोलते हैं सर, जहां पर संख्यागत हम रिजल्ट तैयार करते हैं, यानी ज्ञान की परीक्षाएं जिसमें की जाती हैं, उसमें कौन सी परीक्षा सम्मिलित नहीं होती है? तो सर देखो, हम मौखिक परीक्षाएं भी लेते हैं, लिख करके लिखित परीक्षाएं भी लेते हैं, और कौशल परीक्षण के लिए प्रायोगिक परीक्षाएं भी लेते हैं, लेकिन ये रचनात्मक आपका सीसी का चैप्टर होता है, यहां पर नहीं आता है। आगे नेक्स्ट आपका प्रश्न है 49वें नंबर का, वर्तमान समय संस्कृत परीक्षा आयोजित भवन्ति, वर्तमान इस समय, आज वर्तमान में करंट पे बात करें तो संस्कृत में कैसी परीक्षाओं का आयोजन होता है? वस्तुनिष्ठ भी होती है, मौखिक, निबंधात्मक, हर प्रकार के पेपर में प्रश्न आते हैं, तो सभी प्रकार के प्रश्नों को पेपर में स्थान दिया गया वर्तमान समय में संस्कृत के पेपर में, है ना। मूल्यांकन से प्रमाणीकृत विधि, मूल्यांकन में प्रमाणीकृत विधियां कौन सी है? प्रमाणीकृत समझ रहे हो, जिसमें ज्ञान का परीक्षण किया जाता है। अब ये प्रश्न थोड़ा सा मामला अलग है, जहां तक मैं समझता हूं उसकी भाषा थोड़ी गलत है। प्रमाणीकृत का मतलब होता है जिसको हम जांच सकते हैं, जिसकी हम परीक्षा को, हम रिजल्ट को दे सकते हैं। सर बुद्धि परीक्षण आपका नहीं होता है, उसका कारण क्या है कि बुद्धि परीक्षण गुणात्मक परीक्षण के अंतर्गत आता है, ये प्रमाणिमात्मक के अंतर्गत नहीं आता है। प्रश्नावली दोनों जगह आती है, पठित अंश को पढ़ाकर प्रश्न पूछना प्रश्नावली है, मौखिक परीक्षा के अंतर्गत ये आपकी परिमाणात्मक में भी आती है और ये गुणात्मक में भी आती है। तीसरा है आत्मकथा, आत्मकथा वैसे तो कोई अपने आप में कोई परीक्षण का प्रकार नहीं होता है, लेकिन आत्मकथा को लिखने के द्वारा लिखित परीक्षाओं में प्रमाणीकृत में आप रख सकते हैं, ये तो ये भी हो जाती है, ये भी हो सकता है। और व्याख्या भी आपका कहीं ना कहीं परीक्षा का प्रकार होता ही नहीं है, तो ये प्रश्न क्या है सर, थोड़ा सा गड़बड़ है। मुझे जहां तक लग रहा है इसका सही प्रश्न होना चाहिए, इसको सही कर लें जिनके पास किताब है, अप्रमापिकृत विधि होनी चाहिए सर। अप्रमापिकृत का मतलब गुणात्मक पक्ष से रिलेटेड कौन सी है, तब फिर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बुद्धि परीक्षण, क्योंकि प्रश्नावली दोनों जगह आती है, ये आपकी कोई परीक्षा का प्रकार नहीं है, तो इसका ऐसा होना चाहिए, प्रश्न को थोड़ा सही कर लें आप, कि मूल्यांकन की अप्रमापिकृत यानी गुणात्मक परीक्षा कौन सी है, तो बुद्धि परीक्षण आपका, साक्षात्कार, ये सब कहां आते हैं। चलिए साहब आगे बढ़ता हूं मैं, जिसने भी संस्कृत सरस्वती डाउनलोड नहीं किया है आप डाउनलोड करें। अच्छा बुद्धि का ऐसे भी लिख सकते हो, प्रमापिकृत में भी हो सकते हैं, लेकिन वो कब होगा, जब बुद्धि परीक्षण को हम ज्ञान के परीक्षण के हिसाब से आके, तो ऐसा भी हो सकते हैं, बात समझ में आ रही है, तो प्रमापिकृत में भी हो सकता है, क्योंकि बुद्धि परीक्षण का संबंध ज्ञान से है, मानसिक विकास से है। चलिए मौखिक परीक्षा या भेद नास्ति, सर मौखिक परीक्षा के भेद कौन सा नहीं है, श्लाका भी होता है, शास्त्रार्थ वाद विवाद भी है, भाषण भी है। मौखिक परीक्षा के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ परीक्षा नहीं आती है, बल्कि लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ परीक्षा आती है। नेक्स्ट आपका, हाँ बुद्धि परीक्षण हो जाएगा, सही है। चलिए लड़कियों ने नेट स्लो कर, देखो कैसे कैसे कितनी अच्छी अच्छी बातें कह रही, कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं हम लोग। कुछ प्रश्न है ही नहीं, तो क्या हो गया, जो तुम बना रहा हूं विशेष प्रश्न उनको पढ़ो ना। तो छात्राणाम बोध परीक्षण हम कर्तुम सकते, बच्चों के बोध का परीक्षण, कितना समझे हैं बच्चे, इसका परीक्षण कैसे किया जाएगा, छात्रों को पठित विषय पृष्ठवा, बच्चों ने कितना ज्ञान किया है, कितना बोध हुआ है, इसका परीक्षण कैसे होता है, पढ़ाए गए पाठ से प्रश्न पूछने पर, छात्रों को पढ़ाए हुए विषय के बारे में पूछ करके
अभिभावकों से पूछने से और मित्रों से पूछने से काम नहीं चलेगा। हमें बोध परीक्षण करना है तो बच्चों को पठित पाठ के बारे में पूछना चाहिए। मौखिक परीक्षा या भेद नास्ति, मौखिक परीक्षा का भेद कौन सा नहीं है? श्लाका, शास्त्रार्थ और भाषण तीनों है, लेकिन वस्तुनिष्ठ परीक्षा, फिर ये प्रश्न रिपीट हुआ आपका, ये वस्तुनिष्ठ परीक्षा का भेद है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। एकस्य समीचीन प्रश्न से का विशेषता, कोई भी एक समीचीन प्रश्न है, आप कहें साहब बहुत अच्छा प्रश्न है, सही प्रश्न है, तो उसकी कौन सी खास बात या विशेषता होगी? वो मृदु होना चाहिए, मीठा होना चाहिए, कठिन होना चाहिए, विस्तार होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। सर वो प्रश्न हमेशा स्पष्ट होना चाहिए, प्रश्न क्या हो स्पष्ट होना चाहिए, ये एक प्रश्न की विशेषता मानी जाती है, सही विशेषता मानी जाती है। मूल्यांकन का वैशिष्ट है, मूल्यांकन से वैशिष्ट्यम, क्या विशेषता है मूल्यांकन की? सामाजिक प्रक्रिया है, अनवरत यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, और बालक के बारे में निर्णय देने की प्रक्रिया है। कुल मिलाकर के मूल्यांकन की तीनों विशेषताएं हैं, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा आपका? द। पठित विशेष से मूल्यांकन हम कर्तुम सकते? सर पढ़ाए गए पाठ के बारे में मूल्यांकन कैसे करोगे बताइए, कैसे प्रश्नों के द्वारा पढ़ाए हुए मूल्यांकन से प्रश्न कैसे प्रश्न करें? तो पढ़ाए हुए पाठ से अवबोध कितना समझे हो, ऐसे बोध प्रश्न करने पर हम मूल्यांकन कर सकते हैं। इसलिए आदर्श अनुकरण के बाद में अशुद्धि संशोधन के बाद अवबोध के प्रश्न करते हैं कि कितना बच्चा समझा है। शिक्षण में मूल्यांकन की उपयोगिता वर्तते, शिक्षण में मूल्यांकन की उपयोगिता है, शैक्षिक निर्देशन में भी है, अधिगम के लिए प्रेरित करने के लिए भी है, और चयन के लिए भी है कि कहाँ समस्या है, उद्देश्य आदि के चयन या समस्या के चयन, तो सभी जगह मूल्यांकन की उपयोगिता होती है। शिक्षण में निर्देशन, अधिगम के लिए प्रेरित करना, उद्देश्य चयन, सभी के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। एक श्रेष्ठ मूल्यांकन परीक्षण से विशेषता वर्तते, सबसे जो अच्छा मूल्यांकन उसकी विशेषता क्या है? विश्वसनीय भी हो, उपयोगी भी हो और वैध भी होना चाहिए। कुल मिलाकर के सारी एक श्रेष्ठ मूल्यांकन की पाठ योजना के जनक हर्बर्ट फ्रेडरिक हर्बर्ट माने जाते हैं। शिक्षक ने कल बता रहा था, लेकिन आज शायद आप आज ही पधारे हैं हमारी ट्रेन में, आप आते नहीं, सफर करते ही नहीं, आपको सफर करना चाहिए लेकिन आप नहीं आते। शिक्षक ने शिक्षक के द्वारा कक्षासु प्रच्छत प्रश्नम भवेत, शिक्षक के द्वारा कक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न कैसे हो, सरल हो, कठिन हो, अशुद्ध हो या संक्षिप्त हो, स्पष्ट हो, शुद्ध हो और सार्थक हो, बच्चों के स्तर के अनुरूप उद्देश्य प्राप्ति करने वाले हों। तो कक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न संक्षिप्त प्रश्न हो, मतलब छोटा प्रश्न हो, स्पष्ट, शुद्ध और सार्थक प्रश्न हो, बेकार, अनर्गल, फालतू, फूड़ प्रश्न नहीं होना चाहिए। मौखिक मूल्यांकन आयाती, मौखिक मूल्यांकन में क्या क्या आता है ये भी आपकी आय सवाल है। भाषण, श्लाका और अंत्याक्षरी, तीनों चीजों का संबंध ही आपके मौखिक मूल्यांकन से होता है। तीनों चीजों में बोल करके कुछ ना कुछ जानने का प्रयास करते हैं। मूल्यांकन है चतुर्णनाम, कोशलानाम, मूल्यांकन में चार कौशलों के परीक्षणार्थम परीक्षा के लिए कैसी परीक्षाओं का आयोजन होता है भाई? चारों कौशल के लिए श्रवण भाषण के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? मौखिक परीक्षा। और पठन और लेखन के लिए कौन सी परीक्षा का आयोजन करना पड़ेगा? मौखिक का। इसलिए चारों कौशलों का विकास करना हो तो मौखिक और लिखित दोनों प्रकार की परीक्षाओं का आयोजन करना पड़ेगा। व्यायाम की जरूरत नहीं है चारों कौशलों के विकास के लिए। मूल्यांकनम अस्ति, मूल्यांकन क्या है सर? सामयिक किसी एक समय होने वाली परीक्षा नहीं है, वार्षिक परीक्षा भी नहीं है, अर्धवार्षिक परीक्षा भी नहीं है। मूल्यांकन तो भैया ओवरऑल चीज है, लक्ष्य सिद्धि मापनम, हमारे लक्ष्य, हमारी सफलता कहां तक हम प्राप्त करें हैं, इसका मापन करने का प्रोग्राम ही मूल्यांकन है। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। शैक्षिक मूल्यांकनार्थम, शैक्षिक मूल्यांकन के लिए विद्यालय शिक्षा या विद्यालय शिक्षा में सर्वाधिक प्रचलित विधा अस्ति। वर्तमान शैक्षिक मूल्यांकन के लिए हमारे स्कूली मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा कौन सी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है? सबसे ज्यादा कौन सी परीक्षाएं ली जाती है वर्तमान में? लिखित परीक्षाएं। आपकी रीट का पेपर का बेस भी क्या है? लिखित परीक्षा है। और लिखित में भी आपका कौन सी परीक्षा देने जा रहे हो? आप वस्तुनिष्ठ परीक्षा देने जा रहे हो। वस्तुनिष्ठ में भी आप प्रत्यास्मरण परीक्षा देने जा रहे हो, और प्रत्यास्मरण में भी आप बहुविकल्पात्मक। देखो ये आपकी रीट का एग्जाम है, यहां लिखता हूं मैं, आप कौन सी एग्जाम देने जा रहे हो? रीट का एग्जाम देने जा रहे हो। और रीट के एग्जाम का जो प्रकार है ना, वो कैसी परीक्षा है? लिखित है। और लिखित में भी आप कैसी परीक्षा देने जा रहे हो? जिसमें निश्चित उत्तर होगा और एक उत्तर होगा, छोटा उत्तर होगा। वस्तुनिष्ठ में भी आप कैसी देने जा रहे हो? सर आपको याद है, सॉरी प्रत्यभिज्ञान होगा आपका, माफी चाहता हूँ। तो प्रत्यभिज्ञान प्रश्न है आपके। प्रत्यभिज्ञान का मतलब आपके सामने प्रश्न लिखा होगा लेकिन उसमें आपको पहचानना है। और प्रत्यभिज्ञान का एक पार्ट क्या आपका? बहुविकल्पात्मक। तो इस प्रकार से आपकी रीट का पेपर होना है। देखो रीट का पेपर है, लिखित परीक्षा है, गोले भरने हैं, वस्तुनिष्ठ है, निश्चित उत्तर है, इसलिए प्रत्यभिज्ञान है क्योंकि उत्तर पहचानना है, और बहुविकल्पात्मक जो उसका भेद है। चलो साहब, इसलिए आजकल सब परीक्षाएं लगभग लिखित हो गई हैं।
कस्मिन् विकल्पे, किस विकल्प में भाषा शिक्षकाय मूल्यांकनस्य अवसरं प्राप्तं भवति, एक भाषा शिक्षक के लिए मूल्यांकन का अवसर किस में मिलता है? प्रार्थना सभा में भी मिलता है, बाल सभा में मूल्यांकन का, सांस्कृतिक समारोह में मूल्यांकन का, हर जगह बालक कुछ ना कुछ करेगा, बोलेगा, इसलिए यहाँ पर हमेशा अवसर आपको मिलते हैं। यदा कस्मिन् अपि मापने, जब किसी भी मापन में, ध्यान देना भाई मापन है, परीक्षा है, तासाम संकल्पनानाम, उन संकल्पनाओं का समावेश है, भवती समावेश होता है, यासाम, जिनका मापनम, मापन हमारा लक्ष्य होता है। यदि हम ऐसा कोई परीक्षण करें जिसमें जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण किया जाना चाहिए उसी की उद्देश्य का परीक्षण किया जाए, जिसके लिए मूल्यांकन बनाया जाता है उसी के लिए मूल्यांकन किया जाए, तो बताइए परीक्षा का ये गुण क्या कहलाता है? यदि जिस उद्देश्य के लिए मूल्यांकन बनाया जाए वह उस उद्देश्य की पूर्ति करने वाला हो तो इस गुण का नाम वैधता होता है। यह तो उत्तर हुआ। यदि बार बार परीक्षा के हम रिजल्ट्स तैयार करें, बार बार परीक्षण की जांच करें, जांच में लगातार बार बार एक समान परिणाम आते हैं तो उसका गुण विश्वसनीय होता है। यदि निश्चित उत्तर है और व्यक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता तब वो आपका वस्तुनिष्ठ गुण होता है। उपयोगिता का मतलब होता है कि पाठ्यक्रम जो आपका है वो निश्चित पाठ्यक्रम संबंधी होना चाहिए, यानी पाठ्यक्रम से संबंधित ही आपका मूल्यांकन होना चाहिए, तय समय में पूरा भी होना चाहिए, इसको उपयोगिता कहते हैं। मूल्यांकन से वैशिष्ट्यम, मूल्यांकन की क्या विशेषता है? सामाजिक प्रक्रिया है, बहुत विस्तृत व्यापक प्रक्रिया है, उद्देश्य निष्ठ ही हमेशा मूल्यांकन होता है, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा लास्ट वाला सर्वे। नेक्स्ट आपका है मूल्यांकन प्रक्रिया या प्रथमम सोपानम। हालांकि इतना संस्कृत में डीपली आपसे प्रश्न करता नहीं है, लेकिन आप लोग जो अन्य विषयों को पढ़ने वाले हैं, मनोविज्ञान आदि में आपने पढ़ा होगा, तो मूल्यांकन का सबसे पहला सोपान है शैक्षिक उद्देश्यों का चयन करना, उसके बाद में हम करते हैं अपने अधिगम की परिस्थितियों का परिचय, फिर परीक्षण चयन और प्रविधि का प्रयोग। तो सबसे पहले मूल्यांकन में हमारे उद्देश्य क्या है, जिनका हम मूल्यांकन करना चाहते हैं उनका चयन करना होता है, यानी उद्देश्यानी, जिन उद्देश्यों को शिक्षणास्य, शिक्षण के लिए अपेक्षितानी, अपेक्षित मानते हैं, जिन उद्देश्यों को शिक्षण के लिए जरूरी समझते हैं, यदि उन्हीं की पूर्ति हो तो ऐसा वाला, वही सेम बात वापस रिपीट हुई है, तो बताइए इस प्रकार के, ओके, इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, इसमें भी थोड़ी सी आपकी बात सागत मिस्टेक है, इस प्रश्न को भी आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। जिन उद्देश्यों की शिक्षण में अपेक्षित है, यानी जिन उद्देश्यों के लिए, यानी उद्देश्य, यानी जो उद्देश्य शिक्षण के लिए अपेक्षित हैं, उनकी पूर्ति यदि वहां होती है तो उद्देश्य आधारित मूल्यांकन ऑप्शन के हिसाब से, वैसे तो वैधता का गुण ही होता है ये भी, लेकिन जिन उद्देश्यों को शिक्षण के लिए जरूरी समझते हैं उन उद्देश्यों की पूर्ति होनी चाहिए, यानी वो शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में उपयोगी होना चाहिए, तब आपका ये गुण क्या कहलाता है? उपयोगिता का गुण कहलाता है। उपलब्धता का मतलब होता है बालक के सामने जो मूल्यांकन होना है उसका ब्लूप्रिंट, यानी मूल्यांकन का प्रारूप पहले ही होना चाहिए, उसको उपलब्धता कहते हैं। और बार बार परिणाम जांच करने पर समान रिजल्ट आते हो तो उसको विश्वसनीयता कहते हैं। थोड़ा समझने का फर्क है संस्कृत लैंग्वेज में, इसलिए तो जिन उद्देश्यों के लिए शिक्षण करना है उन उद्देश्यों की प्राप्ति यदि हो जाती है तो वो आपका उपयोगिता का गुण है ऑप्शन के हिसाब से, वैसे वैधता की परिभाषा है ये। वस्तुनिष्ठ जो परीक्षा होती है उसका गुण कौन सा नहीं है, वस्तुनिष्ठ का गुण कौन सा नहीं है? परीक्षा का निर्वाह करना बहुत सुकर है, आराम से हो जाती है, समग्र पाठ्यक्रम से ऊपरी प्रश्नार्थ प्रश्न सकते थे, लगभग लगभग छोटे छोटे प्रश्न इसलिए सभी से ले लेते हैं, विषय निष्ठता होती है, गलत बात है, हाँ सही है, सॉरी, वस्तुनिष्ठ है ना, तो वस्तुनिष्ठ में वस्तुनिष्ठता होती है, विषय वस्तु की निष्ठता होती है। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है, एक बार उसको देखें आप, चौथा ऑप्शन कह रहा है आपसे कि छात्राणाम, छात्रों के हस्त लेखन आदि का परीक्षण होती, हस्तलेखन का पता चलता तो ये बिल्कुल भी नहीं चलता सर, है ना, प्रामाणिकता है नहीं सर, ऑप्शन दोबारा चेंज किया था मैंने, इसलिए उसको चेंज कर दिया था मैंने, प्रामाणिकता को चेंज कर दिया था, आप सही कह रहे हैं, पहले आपके इसमें प्रामाणिकता लिखी थी, वो प्रामाणिकता ऑप्शन सही नहीं था, तो किताब में चेंज कर लो आप इसको, इसका स वाला ऑप्शन उत्तर माने आप, है ना, प्रामाणिकता वो नहीं होती। प्रामाणिकता का मतलब तो होता है यदि परीक्षण को आप प्रमापीकृत विधियों के द्वारा अंकन दे सकते हैं, प्रमापीकृत सांख्यिकी प्रविधियों का प्रयोग करके यदि उसका रिजल्ट तैयार कर सकते हैं औसत में, मध्यमान में, माध्यिका में, तब उसको हम प्रमापीकृत कहते हैं या प्रमाणिक कहते हैं। तो ये क्या है कि वो गलत है, इसलिए मैंने दोबारा चेंज किया था, तो ये प्रश्न थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा आपको, है ना। चलिए साहब, तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा का ये गुण नहीं है, दोष है कि यहाँ लेखन कला का पता नहीं चलता है। निबंधात्मक परीक्षा का गुण कौन सा है? सर गणने में विश्वसनीयता होती है, बिल्कुल नहीं होती, गणनाएं अधिक समय न अपेक्षित है,
गणने में ज्यादा समय नहीं लगता, बहुत लगता है। समग्र विषय का परीक्षण कर तुम सकते थे, बिल्कुल नहीं कर सकते। एतेषां निर्माणम, इनका निर्माण करना और निर्वहन करना बहुत आसान है। निर्माण करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, 4-5 प्रश्न बना लो, काम हो जाता है। तो बाकी सभी इसके दोष है, अरे नीचे वाला गुण है। समीचीनम कथनम वर्तते, सर कौन सा कथन सही है छांटना है। परीक्षा की अपेक्षा मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ उद्देश्य निष्ठ होता है। परीक्षा नाम परीक्षणों की शिक्षण सत्र में निश्चित समय अनंतरम एव आयोजनम भवति। भाई परीक्षण तो परीक्षाएं तो एक निश्चित समय में होती हैं, किंतु मूल्यांकन एक का सतत प्रक्रिया। बात तो सही है। समीचीन कथन देख रहे हैं, झूठा कथन देख रहे हैं, एक बार देख लेता हूं मैं। सही कथन तो ये भी सही है और ये बात भी सही है। परीक्षा प्रश्नानां विकल्प अधिका भवन्ति, परीक्षा के प्रश्नों के विकल्प बहुत होते हैं, किंतु मूल्यांकन क्या किंतु मूल्यांकन मूल्यांकन नहीं भवन्ति, लेकिन मूल्यांकन में ऐसा नहीं होता है। ये भी है आपका। और चौथा ऑप्शन आपका लिखा है सर्वे, इसका मतलब ये हुआ कि सारी चीजें अपनी जगह सही हैं। परीक्षा का मूल्यांकन मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ होता है। परीक्षा में निश्चित समय के बाद ही परीक्षा होती है, मूल्यांकन हमेशा चलता रहता है। परीक्षा में कई सारे विकल्प हैं, मूल्यांकन में ऐसा नहीं होता है। कुल मिलाकर के सभी आपके ऑप्शन सही माने जाएंगे, इसलिए डी ऑप्शन को ही लॉक किया है। 73 का प्रश्न है आपका कि मूल्यांकन कीदृशी प्रक्रिया, मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है। लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, ये स्थिर प्रक्रिया नहीं है, रुकी हुई और रोकी हुई प्रक्रिया नहीं है। तो मूल्यांकन सतत और व्यापक प्रक्रिया है, अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। निम्नोक्त परीक्षा, नीचे लिखी परीक्षा, मौखिक परीक्षायाम अंगम नास्ति, कौन मौखिक परीक्षा में नहीं आता। श्लाका शास्त्रार्थ और साक्षात्कार तो आएगा, लेकिन नील पत्र निर्माण की जो परीक्षा वो लिखित परीक्षाओं में होती है और ये कोई परीक्षा का प्रकार नहीं होता है। श्लाका परीक्षा कस्य परीक्षा या उपभेद, श्लाका परीक्षा जो है वो कौन सी परीक्षा में आती है। तो श्लाका परीक्षा सर आपकी मौखिक परीक्षा का भेद मानी जाती है। मौखिक परीक्षा में आगे जाकर श्लाका परीक्षा आती है। ब्लूम महोदय संपूर्ण शैक्षिक उद्देश्यानी, ब्लूम महोदय जो है आपके वो संपूर्ण शैक्षिक उद्देश्यों को ध्यान से देखना सर। ब्लूम महोदय के अनुसार आपके शैक्षिक उद्देश्य कितने हैं, तो ब्लूम ने ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक और क्रियात्मक तीन प्रकार के ज्ञानात्मक को स्वयं ने किया। एक के साथ में आपने सिम्पसन का, एक ने करतवाल, तो एक बार करतवाल और सिम्पसन, तो ब्लूम करतवाल और सिम्पसन तीनों ने मिलकर ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक और अनुप्रयोगात्मक या क्रियात्मक तीन प्रकार से बांटा है। कहते हैं सामान्यतः उद्देश्य से पूर्ति प्रक्रिया, अरे उद्देश्य की जो पूर्ति की प्रक्रिया होती है यानी मूल्यांकन की जो प्रक्रिया होती है वो बताइए कैसी प्रक्रिया होती है। दीर्घकालीन, बहुत लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। अनिश्चित भी नहीं बोलेंगे, निश्चित भी नहीं, अल्पकाल भी नहीं। ये उद्देश्य की पूर्ति करने की जो प्रक्रिया है बहुत लंबी चलती है, शिक्षण कार्य के आर से पार चलती रहती है। यदि कश्चन छात्र है, यदि कोई छात्र निरंतर परीक्षायाम अनुत्तीर्ण है, कोई छात्र लगातार अच्छे प्रश्न भाई, मूल्यांकन के चार प्रकारों का एक प्रकार यह दिया हुआ सुनिएगा। संकलन मूल्यांकन भी होता है, इसको समझाऊंगा, चलो पहले इसको पढ़ते हैं। निरंतर परीक्षा में क्या हो रहा है, उत्तीर्ण हो रहा है, तदा शिक्षक है तस्य छात्र से, तब शिक्षक उस छात्र के विश्लेषणात्मकता का मूल्यांकन करोति, विश्लेषण करने के लिए, यानी छात्र के अनुत्तीर्ण होने के कारणों का पता लगाना। जब किसी बच्चे के समस्याओं का पता करते हैं उसको हम कहते हैं सर दोष निर्णयात्मक मूल्यांकन या व्याधि निर्णय मूल्यांकन, इसको तो कहते हैं दोष निर्णय। कोई समस्या है उसका ज्ञान करना, जैसे निदान होता है, निदान तो निदान के समान कौन होता है, दोष निर्णय होता है। जब हम सतत में पूरे सत्र में बच्चे के द्वारा जो भी उपलब्धियां ली गई हैं, जैसे हम वार्षिक परीक्षा का आयोजन करते हैं, उसकी जगह संकलन मूल्यांकन होता है, नियुक्ति होता है। बच्चा जब स्कूल में एडमिशन लेने जाता है, नियुक्ति के समय बच्चे से जो मूल्यांकन परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं वो नियुक्ति मूल्यांकन होता है। और रूपक मूल्यांकन होता है सर जब छात्र और शिक्षक दोनों को पुनर्बलन की आवश्यकता पड़े, यानी दोनों को मोटिवेशन की आवश्यकता पड़े, तब उसका रूपक मूल्यांकन किया जाता है। तो यहां पर छात्र अनुत्तीर्ण हो रहा है तो उसके लिए बच्चे की दोष का निर्णय करेंगे कि कहां प्रॉब्लम है, तो निदान के समान होता है। मूल्यांकन से प्रक्रिया नास्ति, मूल्यांकन की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया नहीं है सर, निर्णयात्मक प्रक्रिया है, अनवरत लगातार चलने वाली है, व्यापक प्रक्रिया है, पर यह सामाजिक प्रक्रिया है सर, असामाजिक प्रक्रिया नहीं है। तो दोष निर्णय को निदान के समान कहा गया, ये असामाजिक नहीं सामाजिक है। ये भी अच्छा प्रश्न है सर, मूल्यांकन के जो प्रश्न होते हैं वो कितने पक्षों से संबंधित होते हैं, मूल्यांकन के प्रश्न कितने पक्षों से संबंधित होते हैं। मूल्यांकन के प्रश्न आपके ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक और एक आपका क्रियात्मक, यानी तीन पक्षों से संबंधित होते हैं। उद्देश्य तो चार प्रकार के होते हैं, मूल्यांकन में प्रश्न पत्र निर्माण करने के उद्देश्य तो चार होते हैं, ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, क्रियात्मक और कौशलात्मक।
लेकिन प्रश्न जो पत्र बनाया जाता है उसके तीन पक्ष हैं, ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक और क्रियात्मक, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा आपका, तीन। अच्छे प्रश्न, इनको ध्यान देना। भारत देश से स्वतंत्रयात परम, भारत देश में स्वतंत्रता के बाद कह समिति कौन ऐसी समिति थी, इसके प्रश्न करवाऊंगा कल, मैं इसी का चैप्टर रखूंगा, भगवान का सब कुछ ठीक रहा तो, तबियत ठीक रही तो। मूल्यांकन से अनुशंसितवती, मूल्यांकन का सबसे पहली बार अनुशंसा करने वाली समिति का नाम क्या था, आचार्य नरेंद्र देव समिति। कब आई थी इसकी रिक्त स्थान पूर्ति, आप कर दो 1946-47-48। सबसे पहली बार मूल्यांकन की अनुशंसा आचार्य नरेंद्र देव समिति ने किया, कब किया ये मुझे बताओ, पढ़े हो ना आप तो। छात्रानाम, छात्रों के विविध कक्षाओं में प्रवेश, देखो आगे अगला मूल्यांकन का दूसरा प्रकार, कि छात्रों के विविध कक्षाओं में प्रवेश के समय उनकी प्रतिभा परीक्षण के लिए यानी उनके एडमिशन के टाइम कौन सा मूल्यांकन लिया जाता है, तो नाम से पता चल रहा है कि जब बच्चों की नियुक्ति की जाती है स्कूल में तब कौन सा मूल्यांकन कार्य किया जाता है। ये चार मूल्यांकन आप लोगों की मर्यादा से थोड़े दूर हैं, इसलिए इनको आप ऐसे तैयार कर सकते हैं। क्लास को लाइक करो रे, आगे बढ़ाओ क्लास को। मैं सोच रहा था आज तो 3-4 हज़ार बच्चे आएंगे, ऐसे तो मैं सोच रहा था 23 सितंबर को यहाँ 10-12 हज़ार बच्चे लाइव जुड़ेंगे, ऐसे तो जुड़ लिए लाइव। आप लोग क्लास को लाइक करके शेयर करके आगे बढ़ाया करो ताकि बच्चे जुड़े और कत्ल की रात को बच्चे अच्छे परीक्षा में जुड़े। या आप लोगों का दायित्व तो बनता है एक टीचर को अंतिम दक्षिणा देने के लिए, मेरी सच्ची गुरु दक्षिणा आपकी उसी दिन होगी जिस दिन आप अधिकतम बच्चों को 23 सितंबर को जुड़ेंगे और एक अच्छे माहौल में, ताकि मैं भी पूरी ऊर्जा के साथ अधिकतम उस प्रश्नों की चर्चा करके जाऊँ, जब मैं पढ़ाऊँ तो मुझे लगे कि मेरे विद्यार्थी हैं ये, मेरे अपने लोग हैं जिनके लिए मैं इतने दिनों तक इतने महीनों तक मेहनत कर रहा था। 1.5 से 2 साल का समय हो गया लगातार आपके प्रीमियर क्लास डालने से लेकर लाइव क्लास का सेगमेंट चलाते हुए, तो जितना आप लोग खींच रहे हैं, जितना परेशान आप है ना, उतना ही लगभग परेशान सच कहूं तो मैं भी हो गया, और मैं भी चाहता हूं कि 26 को पेपर हो जाए, है ना। चलिए अच्छी बात है, आप लोगों को नौकरी मिलेगी। अधोलिखित में असंगत क्रम को छांटिए सर, असंगत मतलब जो गलत है उसको छांटना है। मापन का क्षेत्र संकुचित होता है, बात तो सही है, मापन की संख्या प्रतीकात्मक होती है, औसत वगैरह में आप देते हो, बात तो सही है, मापन में बहुत समय लगता है, ये बात थोड़ी बैठ नहीं रही। मापन में छात्रों का स्थान निर्धारित किया जाता है, लेकिन मापन में ज्यादा समय नहीं लगता है सर, मापन एक संकुचित सीमित टाइम की प्रक्रिया होती है, जबकि मूल्यांकन बहुत लंबा टाइम होता है हमका, है ना, तो ये बहुत समय नहीं लगता, मापन में थोड़ा थोड़ा टाइम लगता, हुआ खत्म। शलाका परीक्षा या उद्देश्यानी, शलाका परीक्षा से आप क्या चाहते हैं, छात्रों में अध्ययन के प्रति एकाग्रता स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन देना, छात्रों की मानसिक योग्यता का पता करना, चिंतन की, मनन की प्रवृत्ति का विकास, इन सब को देखना, यानी सभी हैं मौखिक परीक्षा के सभी, शलाका परीक्षा के सभी उद्देश्य याद करने पर सब पे ध्यान दिया जाता है। साक्षात्कार क्या है सर, साक्षात्कार एक आंतरिक अवलोकन है, इसलिए साक्षात्कार का स्थान गुणात्मक परीक्षाओं में आते हैं, क्योंकि इंसान के अंदर का पता चलता है तो कैसा है, इसलिए साक्षात्कार का आयोजन किया जाता है। तो साक्षात्कार एक आंतरिक इंटरनल अवलोकन है, परीक्षण निरीक्षण है। छात्राणाम गृह कार्य से मूल्यांकनम, छात्रों का गृह कार्य का मूल्यांकन, ये आपकी परीक्षा में सीटेट में आया हुआ सवाल, इसलिए दो बार रिपीट हुआ है, आंतरिक मूल्यांकन के द्वारा किया जाएगा। छात्रों के गृह कार्य का मूल्यांकन आंतरिक मूल्यांकन से किया जाता है। भाषा या चतुर्सु कौशलेषु, भाषा के सभी कौशलों में, ये फिर कहां से बीच में डाल दिया इसने, देखो श्रवण कौशल, ये थोड़ा सा अलग सा प्रश्न रिपीट हो गया, डाल दिया होगा दादा ने हमारे ने। चलिए साहब आगे देखिए, भाषा शिक्षण में वस्तुनिष्ठ मूल्यांकनार्थम, वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के लिए लिखो ना, 1387 प्रश्न में गलत था, उसको लिखा करो आप, ये पीपीटी बार बार काम आएगी, फिर दिक्कत आएगी। भाषा शिक्षण के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकनार्थम, वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के लिए एतद अनिवार्यम, यत, यह अनिवार्य है। एक भैया लगातार तदनंतरम को लेके बैठे, 4 दिन हो गए मुझे पूछते, यहां देखो एक बार, एतद अनिवार्यम। अब जब आप संधि का कार्य करोगे तो यहां पर आपको एतद प्लस अनिवार्य में तो लिखना पड़ेगा भाई, वरना संधि कार्य वर्ण विकार है, वो तो फिर संयोग हो गया, फिर एतद अनिवार्य में संधि कैसे हुई, तो तत् प्लस अनंतर रखेंगे तभी तो जस्तु का कार्य दिखाएंगे, तद अनंतरम रखोगे तो फिर जस्तु संधि का कार्य दिखाओगे कहां, समझ में आ रही बात। ऐसे तो जगत इस को क्या है, जगत प्लस इस कर दो, जगत भी सही है, प्रथमांत और पंचम्यंत में तय और दे दोनों समान है। रामाद आगच्छति में रामाद कहां लिखते हो, रामाद प्लस आगच्छति कर दो, फिर संधि कहां है। तो नम्र निवेदन है आपसे कि इस प्रश्न को विराम दो, एतत प्लस अनिवार्य करेंगे तभी तो तय का दय होकर के एतद अनिवार्य बनेगा, जस संधि होगी, तो तत् प्लस अनंतरी करेंगे, तद नहीं करेंगे। चलो तो वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के लिए क्या करना चाहिए, मैं कुछ कह रहा था आपसे, सर्वतोमुखम और व्यवहार परक होना चाहिए, विश्वसनीय हो, योग्य हो, वस्तुनिष्ठ हो और विमर्शात्मक हो, यानी कुल मिलाकर के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन में सारी चीजें होनी जरूरी हैं।
अगला सवाल है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आवश्यक नहीं, ऐसे हिंदी के प्रश्न है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए तीन चीजें अनिवार्य हैं, इसको समझना, इस प्रश्न में लड़ाई भी कर सकते हो आप मुझसे। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया यानी शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे पहली बात है, एक विषय वस्तु होनी चाहिए जिसको आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं। विषय वस्तु को सिखाने के लिए किसी न किसी विधि का प्रयोग करना है, और शिक्षण विषय को विधि के माध्यम से पढ़ाते समय आवश्यकता अनुसार सहायक सामग्री का प्रयोग भी करना चाहिए। तो सर, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण कार्य के दौरान विषय होना चाहिए पढ़ाने के लिए, तरीका होना चाहिए विधि, और उसको सरल बनाने के लिए सहायक विधि। मूल्यांकन उपागम उसकी मर्यादा से बाहर है सर, ये कॉन्सेप्ट अलग का है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सीखने में विषय वस्तु विधि और सहायक सामग्री का प्रयोग है। मूल्यांकन तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्राप्ति के ज्ञान का साधन है, इसलिए नील पत्र के अनुसार जो उच्चतम अंक भारित होता है, यानी अंकों का जो आता है रिजल्ट, अंक रूप में जो रिजल्ट निकल के आता है, नील पत्र का मतलब ब्लूप्रिंट जो आपका मूल्यांकन है, उसमें अंक जहां दिए जाते हैं वो अंक किसके लिए आते हैं सर? अंक हमेशा ज्ञानात्मक के लिए दिए जाते हैं, ग्रेड भावात्मक के लिए दी जाती है। तो अंक जो है उनका संबंध किससे है? ज्ञान से है। कौन सा कथन आदर्श प्रश्न पत्र को दर्शाता है जिसमें मूल्यांकन के सभी उद्देश्य पूरे होते हों, जिसमें सभी बालक उत्तीर्ण हो जाएं, जिसमें व्यापक दृष्टिकोण हो, या जिसमें सभी, तो सभी बालक उत्तीर्ण तो नहीं हो सकते सर, ऐसा कोई मूल्यांकन हो ही नहीं सकता। इसलिए जब आप इसमें सब कुछ करोगे तो आपको ऑप्शन छांटना पड़ेगा, उपयुक्त सभी हो नहीं सकता, जिसमें सभी बालक पास हो जाए वो काय का मूल्यांकन, तो ये आ नहीं सकता, ये नहीं आएगा, तो इसमें छांटना पड़ेगा। तो व्यापक दृष्टिकोण भी होना चाहिए, लेकिन मेन बात है हमारा कि मूल्यांकन के सभी उद्देश्य पूरे होते हैं, उसको हम आदर्श प्रश्न पत्र कहेंगे। सभी उद्देश्य, ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, क्रियात्मक और कौशलात्मक। विचारों की अभिव्यक्ति, कहने का मौका कहां, कौन सी परीक्षा में मिलेगा सर आपको? निबंधात्मक परीक्षाओं में कहने का पूरा, लिखने का पूरा मौका, विचारों की, लेखन की अभिव्यक्ति का पूरा मौका मिलता है। मूल्यांकन का क्षेत्र सर सीमित नहीं हो सकता, संकुचित नहीं हो सकता, ये तो परीक्षाओं के क्षेत्र होते हैं, मूल्यांकन का क्षेत्र बहुत विस्तृत और व्यापक क्षेत्र माना जाता है। निष्पत्ति या उपलब्धि परीक्षणों द्वारा छात्रों के किस पक्ष का मापन किया जाता है? निष्पत्ति कितना जानता है, उपलब्धि कितना प्राप्त किया, इसके द्वारा हम किसका मापन करते हैं? ये प्रश्न भी आपके लिए जंजाल हो सकता है, समझने का प्रयास करना। बालक कितना प्राप्त किया है, सीखा कितना है, ज्ञान कितना प्राप्त किया है, सूचनाएं कितनी एकत्रित की हैं? सर, इसका संबंध सिर्फ और सिर्फ किससे है? ज्ञानात्मक पक्ष से है, जबकि भावात्मक और मनोशारीरिक पक्ष का पता मूल्यांकन से चलता है सर। उपलब्धि परीक्षण एक प्रकार की परीक्षाएं होती हैं, परीक्षा कितना जाना बच्चे ने, कितना उपलब्धि की, कितना निष्पत्ति रही, तो निष्पत्ति और उपलब्धि परीक्षणों में बालक ने कितना सीखा है, इसका ज्ञान ज्ञानात्मक पक्ष का होता है, जबकि मनोभावात्मक और मनोशारीरिक पक्ष का ज्ञान बच्चे का संपूर्ण मूल्यांकन से पता चलता है। इसलिए इसका उत्तर सभी भी नहीं करना है, केवल ज्ञानात्मक पक्ष लेना कि रिजल्ट आप परीक्षाओं के केवल इसी से आता है। ये देखो अगला प्रश्न उसी को लेकर आया है कि भावात्मक और मनोशारीरिक पक्षों का यानी सभी चीजों की इमोशनल रूप से मापन की प्रक्रिया का नाम क्या होता है? सर, ये मापन मूल्यांकन काम करता है। तो ये जो आपका है भावात्मक वो मूल्यांकन से रिलेटेड है, और उपलब्धि परीक्षण या ज्ञानात्मक आपका ज्ञान से रिलेटेड है। मापन किसी वस्तु या उपलब्धि का मान है, मापन मापना कितना है, कितना है, इसका संबंध सिर्फ किससे होता है सर? आपका संख्यात्मक या परिमाणात्मक से होता है। तो मापन जो होता है वो संख्यात्मक और परिमाण को दर्शाता है, जबकि गुणात्मक जो है वो आपकी चीज मापन नहीं होती, वो भाव को दर्शाता है, कितना भाव है। किसके द्वारा पता लगाया जाता है कि कोई वस्तु गुण या विशेषता में कितनी है, कितना जानता है, कितनी है, कितनी है, तो कितने है का ज्ञान किससे पता चलता है सर? आपको मापन से। जबकि कैसा है का पता किससे चलता है? आपको मूल्यांकन से। ज्ञान कितना है मापन में है, इंसान कैसा है उसका ज्ञान मूल्यांकन में है, तो कितना है उसका ज्ञान मापन से होता है। किसके अंतर्गत किसी गुण, वियोग्यता अथवा विशेषता का मूल्य निर्धारित किया जाता है? मूल्य अर्थात मूल्यांकन द्वारा परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों ही प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। तो सर बताइए किसमें मूल्य निर्धारण होता है, परिमाण और गुणात्मक दोनों आ जाते हैं। तो इस समग्र जो प्रणाली है, समग्र प्रक्रिया है, इतनी लंबी चौड़ी व्यापक, उसमें आपका पूरा मूल्यांकन समेट लेता है। तो केवल परिमाणात्मक मापन परीक्षण होते हैं, जबकि भावात्मक और दोनों मिलकर के आपके क्या होते हैं, मूल्यांकन होते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान NCERT कॉन्सेप्ट ऑफ इवेल्यूशन यानी मूल्यांकन की अवधारणा, ये जो लिखा है किताब या जो कहा है उसमें मूल्यांकन प्रक्रिया में मुख्यतः कितनी बातों को सम्मिलित किया है?
तो सर इसमें कितनी बातों को उन्होंने सम्मिलित किया है? उसने इसमें तीन बातों को, शायद जहां तक है, तीन बातों को सम्मिलित किया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, वही आपकी ज्ञान भाव अवबोध की बात है। कितनी बातों को सम्मिलित किया है? तीन बातों को सम्मिलित किया है। ये देखिए साहब, तीन बातें कौन? तो जो ब्लूम ने कहा है वही तीन बातें हैं आपकी, शिक्षण के उद्देश्य, प्रविधियां और अधिगम के अनुभव। इन तीन चीजों को कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन में स्वीकार किया है। अगला प्रश्न यही था कि इवोल्यूशन, कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन में मूल्यांकन प्रक्रिया में शामिल क्या है? तो शिक्षण के उद्देश्य, वही शिक्षण कार्य और प्रविधियां, विधियां और अधिगम के अनुभव, इन तीनों को सम्मिलित किया है। ब्लूम ने यहां शिक्षण या अधिगम या व्यवहार परिवर्तन को लिखा, इसने विधि को स्थान दिया है। तो तीसरा, इन सभी में आपको तीन चीजें स्वीकार की गई हैं। जिसने भी संस्कृत सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया, आप डाउनलोड करें, इसको कर डाला तो फिर लाइव जिंगल आला। कोई भी चीज आपके समझ में नहीं आती है, सरस्वती परिवार के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आप आराम से उसमें कोई भी टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आया, आप देखना चाहते हैं, प्रश्न निर्माण से लेकर कारक अनुवाद, कुछ भी, मतलब कुछ भी, तो उसको देखिएगा। 100 पेपर आपके लिए टेस्ट सीरीज के लिए डाल रखे हैं, आप देखो आराम से, जो भी आपका मन करे। मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं। अब देखो, पहला सोपान मैंने कहा था ना, चयन है। तो उद्देश्यों का चयन और निर्धारण करना, विश्लेषण करना, प्रविधि का चयन करना और मूल्यांकन की प्रक्रिया को संपन्न करना। हालांकि ये बहुत बड़े स्तर का प्रश्न है, इतना विशेष आपके यहां तक नहीं आता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं मूल्यांकन की प्रक्रिया में आती है। सर, मूल्यांकन की क्या जरूरत है, क्यों चाहिए हमको मूल्यांकन? बालकों की मानसिक शक्ति, रुचि, दृष्टिकोण आदि का अनुमान लगाना, विभिन्न समूहों में विभाजित करना, भाई ये बच्चा, ये अच्छे बच्चे हैं, मतलब मंदबुद्धि, औसत और तीव्र बच्चों में, अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने के लिए, हम सब चीजों के लिए मूल्यांकन की हमें आवश्यकता है साहब। इन सारे कार्यों को संपादित करने में मूल्यांकन की हमें आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट आपका 1403 है, मूल्यांकन की परिमाणात्मक या संख्यात्मक प्रविधियां कैसी है? परिमाण और संख्या, तो सर इसमें तीन प्रकार की परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। कौन कौन सी आती है? परिमाणात्मक परीक्षाएं, मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और किसी कौशल की परीक्षा के लिए उसमें प्रयोगात्मक परीक्षा। तो मूल्यांकन की परिमाणात्मक परीक्षा आगे जाकर मौखिक, लिखित और प्रयोगात्मक परीक्षाओं में, क्रियात्मक परीक्षाओं में विभाजित हो जाती है। अगला प्रश्न है, मौखिक परीक्षा का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? अच्छा प्रश्न है, सुनना भाई ध्यान से, मौखिक परीक्षा का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? मौखिक परीक्षा का, परीक्षणों का प्रयोग व्यवहार में लाने वाले कोई और हैं, लेकिन मौखिक परीक्षा का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? इलेडाइट्स ने किया था। सबसे पहली बार मौखिक परीक्षा का प्रयोग इलेडाइट्स ने, जबकि मौखिक परीक्षा प्रणाली यानी सिस्टम में लेकर के आने वाली महान आत्मा का नाम क्या है? सुकरात, जिन्होंने आपको प्रश्नावली विधि भी दी है, अक्षौहिणी में वृद्धि संधि है। तो मौखिक परीक्षा प्रणाली का सूत्रपात तो सुकरात ने किया और मौखिक परीक्षा को देने का काम इलेडाइट्स ने किया। ठीक है भैया, तो इलेडाइट्स को याद रखना, और वैसे ही जैसे आप लोग जेम्स राइस को पढ़ते हैं और साथ में होरांस मेन को पढ़ते हैं वैसे आप, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, किस परीक्षा द्वारा बालकों के प्रत्यास्मरण, चिंतन, तुरंत अभिव्यक्ति, क्रियाशीलता, विश्लेषण, पढ़ने की योग्यता, उच्चारण, इसको पकड़ो। मेन आपको नहीं भी समझ में आया तो देखो भाई, कितना याद है तुरंत बता देना, तुरंत क्रियाशीलता बता देना, पढ़ने की योग्यता, वाचन और उच्चारण, ये सब बोलने में काम आता है, बोलने में काम आता है। इसलिए सारे के सारे गुण कौन सी परीक्षा में पाए जाते हैं? मौखिक परीक्षा में पाए जाते हैं। खूब मच्छर कर दिए सुबह, खा गए मेरे पैरों। ये आपके मौखिक परीक्षा के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित लिखित परीक्षाओं के पूरक के रूप में, यानी लिखित परीक्षा की पूर्ति कौन करते हैं, लिखित परीक्षाओं को पूरक रूप में कौन सी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है? तो आज वर्तमान में सर्वाधिक लिखित परीक्षाओं के आयोजन होता है। इन लिखित परीक्षाओं की पूर्ति के लिए मौखिक परीक्षाएं आपकी सहायता करती है, उनको पूरा करती है, जैसे आगमन की पूरक निगमन है। किस परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत बालकों के विषय ज्ञान की, देखो ये फिर आ गया प्रश्न, कि कौन सी ऐसी परीक्षा प्रणाली है जिसमें विषय ज्ञान की उपलब्धि, कितना जानता है, अभियोग्यता, अभिवृत्ति, अभिरुचि और बुद्धि की जांच की जाती है कि कितना बच्चे ने जाना है। यहाँ कहीं भी लिखने का काम नहीं है, बालक की कितना समझा, कितनी योग्यता है, अभिवृत्ति कैसी है, रुचि कैसी और बुद्धि की जांच, इस सब के लिए खोपड़ी की जांच करने के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का आयोजन करते हैं। आपकी रीट परीक्षा संस्कृत के बारे में आपकी सब जानकारी के लिए की जा रही है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा कहलाती है। किस परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत नमूनों के आधार पर, नमूनों के आधार पर एक नमूना लिया जाता है, जैसे इतना सब कुछ जानता है बच्चा प्रैक्टिकली, उसका नमूना लिया जाता है, बालकों के कौशल की जांच की जाती है। कौशल का नाम आते हैं आप समझ जाना, कोई प्रैक्टिकल काम करके, कोई प्रैक्टिकल कार्य करवा के हम बच्चे के परीक्षण की जांच करते हैं। तो कौशल की जांच के लिए सर अभी पहले प्रश्न आया था आपका कि प्रायोगिक परीक्षा किस लिए होती है, तो कौशल की जांच, और कौशल जांच के लिए क्या होती है, तो प्रायोगिक परीक्षा। नेक्स्ट हम करते हैं,
नेक्स्ट हम करते हैं मूल्यांकन है एक, कैसी प्रक्रिया? सहकारी मिलजुल कर सभी का साथ लेकर सामाजिक निर्णयात्मक प्रक्रिया है। तो मूल्यांकन में सभी चीजें आ जाती है। मूल्यांकन एक सामाजिक, सहकारी और निर्णयात्मक तीनों प्रक्रिया है। परीक्षा, मापन और मूल्यांकन के बीच संबंध बताने वाली महान आत्मा का नाम क्या है? बहुत अच्छा है कि परीक्षा, मापन और मूल्यांकन, परीक्षा, मापन और मूल्यांकन, परीक्षा के लिए क्या करने पड़ते हैं? मापन करने पड़ते हैं, और सभी मापन और परीक्षाओं का समाहार मूल्यांकन कहलाता है। ऐसा कहने वाले ग्रानलुंड है। कौन है? ग्रानलुंड ने आपने तीनों में सहसंबंध स्थापित करने का प्रयास किया था। अच्छे मूल्यांकन की सर्व प्रमुख विशेषता होनी चाहिए। सभी अच्छी बातें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छी बात क्या है कि मूल्यांकन जिसके लिए किया जा रहा है मूल्यांकन उसी का हो, तो वो सबसे अच्छी बात है। इस गुण का नाम सर क्या होता है? वैधता। एक मूल्यांकन में सारी विशेषताओं में सबसे गजब तकनीकी जो आपकी विशेषता है उसका नाम वैधता होता है। कौन सी एक परीक्षण की तकनीकी विशेषता नहीं है? हम लोग आगे जाकर विशेष को विशिष्ट और सामान्य दो विशेषताओं में पढ़ते हैं, जिसमें हम कहते हैं तकनीकी विशेषता और व्यावहारिक विशेषता। व्यावहारिक ये होती है कि भाई ठीक है तो होनी चाहिए, ठीक है ऐसी चीजें भी हो तो ठीक है, लेकिन तकनीकी थोड़ी विशेष चीजें होती हैं। जैसे तकनीकी में विविधीकरण, वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, व्यापकता, ऐसी चीजें आती हैं। मितव्ययिता का मतलब होता है मूल्यांकन ज्यादा खर्चीला नहीं होना चाहिए। तो विभेदीकरण का मतलब मूल्यांकन के द्वारा कक्षा कक्ष के बच्चों का विभेद होना चाहिए, कौन तीव्र है, कौन पिछड़ा है, कौन सामान्य है। वैधता आप जानते हैं, वस्तुनिष्ठता हमेशा निश्चित उत्तर होना चाहिए। तो मितव्ययिता क्या है सर? तकनीकी विशेषता नहीं है, ये एक आपकी व्यावहारिक विशेषता है। आपने पढ़ा होगा इसको, मूल्यांकन की दो प्रकार की विशेषताएं आती है, तकनीकी विशेषताएं और सामान्य व्यावहारिक विशेषताएं। तो ये सामान्य चीज है, बाकी सभी आपकी तकनीकी बातें हैं। संज्ञानात्मक पक्ष का उच्चतम स्तर क्या है? संज्ञान का उच्चतम सीमा का, यानी संज्ञान में अलग अलग क्षेत्रों में जितना भी ज्ञान किया है उन सब का ओवरऑल अधिकतम बिंदु कहां जाके टिकेगा? तो सर जो सब कुछ जाना हो, सब कुछ जानने में फाइनली जो आप स्तर बच्चे का डिफाइन करते हैं वो मूल्यांकन कहलाता है। तो सभी प्रकार के ज्ञानों का अधिकतम जो भारित मान होता है लास्ट मूल्यांकन है। मूल्यांकन की व्यापक विशेषता कौन सी नहीं है? रटन स्मृति कितनी बड़ी है इसकी जांच करना। तो सर मूल्यांकन में रटने का स्थान ही नहीं है, पहला ऑप्शन ही गलत है आपका। मूल्यांकन की व्यापक विशेषता में क्या है? नहीं है कि विद्यार्थी की रटन स्मृति कितनी बड़ी है, तो रटने पर तो मूल्यांकन में कोई स्थान ही नहीं, बाकी सब सही है। पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति कहां तक हुई ये भी देखते हैं। कक्षा में दिए जाने वाले अधिगम अनुभव कितने प्रभावी रहे ये भी हम देखते हैं, कितना सीखा पाए हम। शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति कितने अच्छे ढंग से संपन्न, सही है, लेकिन रटन स्मृति कितनी बड़ी है सर इसमें तो कहीं भी आपका मूल्यांकन कार्य नहीं करता है। सबसे पहले भाषा प्रयोगशाला का विकास कहां हुआ? अमेरिका में हुआ। अच्छी बात है, पहले भी हमने प्रश्न पढ़ लिया है, ये प्रश्न फिर गलत आया 16, 17, 17 में कि सबसे पहले भाषा प्रयोगशाला का 14, 16 लिखो गुरु, भाषा प्रयोगशाला का परिवर्तन कहां हुआ? अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का क्या प्रयोजन है? भाषा की क्लास में मूल्यांकन का विशेष प्रयोजन क्या है? सर भाषा के प्रति रुचि जागृत करना यह भी सही है, विषय की जांच करना ये थोड़ा बैठ नहीं रहा, अगली कक्षाओं में क्रमोन्नति देना ये भी ठीक है। इसको एक बार देखते हैं कहीं गलत नहीं हो जाए। वैसे जहां तक है पहला ऑप्शन होना चाहिए। थक जाते हैं बोलते बोलते, आज तो गला वैसे बैठा हुआ। सभी दिया है, चलो सभी को माना तो ठीक है। भाषा के प्रति रुचि जागृत करना, विषय की जांच करना, विषय नहीं होना चाहिए, विषय ज्ञान होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए था। विषय ज्ञान की जांच करना, अगली कक्षा में क्रमोन्नति देना कि बालक अगली कक्षा में जाने योग्य है या नहीं, तो सभी को माना तो लोग सभी है, लेकिन विषय की जांच नहीं होनी चाहिए, विषय ज्ञान की जांच होनी चाहिए। ठीक, मूल्यांकन के बारे में असत्य कथन, गलत बात कौन सी है? ओह ये क्या है, इसको इसको भागा क्यों है? और यार तो वहीं गया, तो बहुत नीचे गया। नहीं कौन
सा चल रहा था? मूल्यांकन के बारे में सत्य कथन पढ़ रहे थे हम। अरे यार ये तो गया ही दिख रहा, बोल ही गया। तो अपने इंतजार करो भाई दादा, बोर्ड भी थक जाता है। मच्छर क्या करेंगे, पाल लेते सबने यार। देख रहा हूँ 1410 को भी देख रहा हूँ, दिखे तो सही मुझे। पोस्टिंग कहाँ है? ब्रजेश कुमार जी पूछ रहे हैं। घंटी बजाओ। घंटी बजाओ। कहाँ में थी वो? ये शुरू से ही बड़ा दुख दी। नहीं चाहते हो ये, बरस 1300 पे तो पहुंच गया। ये देखो आप पेन खेच ले ना, तो ये बोर्ड पे देख क्या कर दिया भाई साहब। ये सब आपके कर्म है। अगला है मूल्यांकन के बारे में असत्य कथन कौन सा है, ऐसा हम सीख रहे थे। मूल्यांकन में मापन तथा जांच दोनों निहित हैं। मूल्यांकन एक बहुमुखी प्रक्रिया है। मूल्यांकन का संबंध इस प्रश्न के उत्तर देने से कितना अच्छा है, सही बात है, लेकिन मूल्यांकन एकांकी नहीं है सर। मूल्यांकन बहुमुखी प्रक्रिया है और इसका संबंध इससे बिल्कुल भी नहीं है कि बालक कितना जानता है। बालक कितना जानता है इसका संबंध हमेशा मापन से होता है, परीक्षा से होता है, तो इसका नहीं होता है। और जो भैया बता रहे थे 1410 को मैं देखूंगा, पहले आगे बढ़ने दो यार। अगला है डॉक्टर बी एस ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन की प्रविधि नहीं है। ब्लूम के अनुसार कौन सी नहीं है? तो साक्षात्कार भी है, प्रश्नावली भी है, अभिलेख भी है, कुल मिलाकर सारी प्रविधियां ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन में प्रयुक्त होती है। 1420वां प्रश्न है मूल्यांकन का प्रयोग बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व अथवा शिक्षा की समूची स्थितियों की जांच के लिए किया जाता है, यह परिभाषा किसकी है? तो यह मूल्यांकन की परिभाषा में से प्रसिद्ध यही परिभाषा है। मूल्यांकन का प्रयोग बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व और शिक्षा की समूची स्थितियों की जांच के लिए, ऐसा कहने वाले कौन आदरणीय हमारे सीसी रोस भाई साहब हैं। अगला है अच्छे मूल्यांकन की विशेषता कौन सी है? विश्वसनीयता, वैधता, व्यापकता, वस्तुनिष्ठता, विभेदकारिता, व्यापकता और व्यवहारिकता। यानी अच्छे मूल्यांकन में सारी की सारी चीजें आ रही है आपकी, तो सारी की सारी विशेषताएं अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं हैं। विभेदकता के बारे में असत्य कथन क्या है? विभेदकता के लिए गलत कथन कौन सा है? अच्छे मूल्यांकन का गुण है, सही बात है। मूल्यांकन प्रपत्र में मंद औसत तीव्र बुद्धि के बालकों को ध्यान में रखकर प्रश्न बनाए जाते हैं, बात तो ये भी सही है। करीब 25% प्रश्न मंद के लिए, 50% सामान्य बच्चों के लिए बनाए जाते हैं और बाकी 25% उच्च स्तर के बच्चों के लिए, तो बात तो सही है। तो सभी कथन सत्य है, इसका मतलब यहाँ कोई भी कथन गलत नहीं है सर। ये सारे के सारी बातें आपके लिए एकदम सही है। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन से क्या मतलब है? मूल्यांकन का मतलब क्या है? तो सर ये कहता है निरंतर और सतत चलने वाली प्रक्रिया है, व्यवहार परिवर्तन की जानकारी देने की प्रक्रिया है, शिक्षण के उद्देश्य की पूर्ति का सीमांकन की कहां तक उद्देश्य की प्राप्ति हुई है, तीनों चीजें ही आपकी एकदम सटीक हो जाएंगी। अगला मेरा प्रश्न है 24 पे, मूल्यांकन शिक्षण आयाम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो सर मूल्यांकन शिक्षण आयाम त्रिआयाम के रूप में ब्लूम के द्वारा प्रतिपादित किया गया। किसके द्वारा?
शिक्षण का मूल्यांकन आयाम ब्लूम के द्वारा प्रतिपादित किया गया, कौन सा गुण वस्तुनिष्ठ परीक्षण का नहीं है, जबकि लिखित परीक्षा में ये चीज पाई जाती है, कौन सी ऐसी चीज है जो वस्तुनिष्ठ में तो नहीं है लेकिन निबंधात्मक परीक्षाओं में पाई जाती है। वेदता वस्तुनिष्ठ में होती है, निबंधात्मक में नहीं। व्यापकता, विश्वसनीयता केवल एक ऐसी चीज है जो वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में नहीं होती, अभिव्यक्ति, वहां लिखने के अवसर नहीं होते, अभिव्यक्ति के अवसर नहीं होते, जबकि निबंधात्मक में होते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा अभिव्यक्ति। भाषा शिक्षण में उद्देश्य निष्ठ मूल्यांकन की विशेषताएं हैं। उद्देश्य निष्ठ मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ हो, विभेदकारिता वाला हो, व्यापक हो, व्यावहारिक हो, विश्वसनीय और वेद हो, ये सारी की सारी विशेषताएं उद्देश्य निष्ठ यानी एक सार्थक मूल्यांकन में पाई जाती हैं। प्रश्नों के प्रकारों का सही विकल्प कौन सा है? सर, वस्तुनिष्ठ, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक और निबंधात्मक। अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक, निबंधात्मक, लिखित, मौखिक, प्रायोगिक, सभी। इसका मतलब पहला ऑप्शन ही आपका सही है, क्योंकि प्रश्नों के प्रकारों में कुछ प्रश्न वस्तुनिष्ठ होते हैं, कुछ आपके अति लघुतरात्मक होते हैं, कुछ प्रश्न आपके लघुतरात्मक और निबंधात्मक होते हैं। तो प्रश्न के जो प्रकार हैं, परीक्षाएं तो आपके लिखित, मौखिक, प्रायोगिक भी होती हैं, लेकिन प्रश्नों के जो प्रकार हैं उसमें वस्तुनिष्ठ और सभी प्रकार के बाकी के प्रश्न भी आपके पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका 28वां प्रश्न है, प्रश्नों का प्रकार पूछा इसने, कौन सी गुणात्मक मूल्यांकन की एक प्रविधि नहीं, गुणात्मक, इंटरनल एनेक्डोटल होता है, निरीक्षण होता है, समचीय आयलोक होता है, प्रायोगिक परीक्षा का संबंध परिमाण से कहा गया। वैसे प्रायोगिक परीक्षाएं भी इसमें आती हैं, लेकिन प्रमुख रूप से गुणात्मक नहीं, परिमाणात्मक परीक्षा में आती है। कौन सी? कौशल परीक्षा के लिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं उनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? छोटा होता है, ठीक है, जल्दी समझ में आता है, ठीक है। बात यह है कि सर इसका एक ही उत्तर होता है। जो वस्तुनिष्ठ शब्द है इसका बिल्कुल सटीक परिभाषा क्या है कि निश्चित उत्तरात्मक जो प्रश्न होता है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है, बाकी सभी सही है, लेकिन और विशेष बात वो है जिस मूल्यांकन पर मूल्यांकनकर्ता के विचारों का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो मूल्यांकन की कौन सी विशेषता है? ऐसा मूल्यांकन जिस पर मूल्यांकनकर्ता के विचारों का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी व्यक्तिनिष्ठ नहीं होती, विषय वस्तुनिष्ठ होती है, उसको वस्तुनिष्ठता का गुण कहते हैं। अच्छा प्रश्न है आपके लिए भी। अगला है, बार बार प्रयोग करने पर भी यदि कोई परीक्षण समान रिजल्ट दे रहा हो, बार बार यदि चेक करने पर भी उसके समान रिजल्ट आते हो, तो वो परीक्षा कौन सी परीक्षा कही जाती है? विश्वसनीयता का गुण कहा जाता है उसको, विश्वसनीय। मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप में, त्रिआयाम के रूप में बांटने वाली महानात्मक कौन है? ब्लूम है। मूल्यांकन को त्रिआयामी या त्रिकोण में बांटने वाली कौन था? ब्लूम था। छात्रों के कौशलों की जांच करने के लिए कौन सा एक अच्छा परीक्षण माना जाता है? ये प्रश्न मैं कह रहा हूं बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। और कौशल परीक्षण के लिए आप किसको महत्ता देते हैं? प्रायोगिक परीक्षणों को देते हैं। तो प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट होते हैं वो आपके कौशल परीक्षण के लिए होते हैं। जब किसी प्रश्न का उत्तर प्रत्येक छात्र द्वारा सही दे दिया जाए तो वह प्रश्न नहीं होगा। यदि सारे बच्चे उसके जवाब दे दें तो बताइए उसमें कौन सी विशेषता नहीं है? इसका मतलब वो विभेदकारी प्रश्न नहीं है, उस प्रश्न की औकात नहीं जो वो अच्छे, सामान्य और पिछड़े बच्चों को छांट सके। किसने ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों को प्रस्तुत किया था? आगे जाकर के ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक और क्रियात्मक, जिसमें क्रमशः ब्लूम और करथवाल और सिम्पसन का प्रयोग किया था। तो सर करथवाल और सिम्पसन ने तो क्या किया? बोधात्मक और क्रियात्मक को दिया स्थान, लेकिन ज्ञानात्मक पक्ष के 6 भेद आगे ब्लूम ने स्वयं बताए थे। तो ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक और क्रियात्मक के 3 लोगों ने काम किया, लेकिन ज्ञानात्मक में काम स्वयं ब्लूम ने किया था। 1956 अपने पढ़े थे, आपको याद हो। लघुतरात्मक प्रश्नों में क्या होता है? अति लघुतरात्मक प्रश्न में तो एक वो होती है, लेकिन लघुतरात्मक में 3 या 4 पंक्तियों में या शब्दों में उत्तर दिया जाता है। तो 3-4 लाइन का जो उत्तर होता है वो आपका लघुतरात्मक प्रश्न होता है। अगला है, मूल्यांकन के गुणात्मक प्रकार का संबंध है। गुणात्मक, सर परिमाणात्मक का संबंध ज्ञान से होता है, जबकि गुणात्मक का जो संबंध होता है वो इंटरनल होता है। इंटरनल का मतलब आंतरिक मूल्यांकन भाव पक्ष से होता है। परिमाण का संबंध ज्ञान से होता है, प्रायोगिक का संबंध क्रिया से होता है, और इसका संबंध किससे होता है? भाव पक्ष से होता है। एक बालक के अलग अलग परीक्षणों से संस्कृत के परीक्षण में 50 में से 32 अंक समान है। एक बालक के अलग अलग परीक्षणों में संस्कृत के परीक्षण में से 50 में से 32 अंक ही आ रहे हैं। हर बार 50 में से 32 अंक ही आ रहे हैं, यानी बार बार परीक्षण करने पर भी बालक का रिजल्ट एक समान आ रहा है। इसका मतलब एक समान रिजल्ट आ रहे हैं, हमेशा 50 में 32 ही आ रहे हैं। तो सर वो कौन सा गुण है उसका? विश्वसनीयता का गुण है। 50 में से 32 बार बार रिजल्ट चेक करो तो विश्वसनीय है। प्रतिभाशाली बालकों के चयन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है?
प्रतिभाशाली बालक छाड़ना चाहते हो, ज्ञान का पक्का अच्छा याद करने वाला, तो ऐसे बच्चों के लिए कौन सी परीक्षा? वस्तुनिष्ठ परीक्षा। आपकी रीट भर्ती परीक्षा में जो बालक प्रतिभाशाली हैं, अच्छे बालक हैं, ऐसे बालकों की परीक्षा के लिए आप कौन सी परीक्षा देने जा रहे हो? वस्तुनिष्ठ परीक्षा देने जा रहे हैं। आपका भी वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन होगा, जो होशियार होगा उसका सिलेक्शन, बाकी रह जाएंगे सब। उपलब्धि परीक्षण का कौन सा पद नहीं है? उपलब्धि जो परीक्षण है कि बच्चे ने कितना ज्ञान अर्जित किया है, उसको हम उपलब्धि कहते हैं। और उपलब्धि परीक्षण के लिए बच्चे के लिए कौन सा पद नहीं होता है? तो उद्देश्य का निर्धारण करना, रूपरेखा बनाना, प्रश्न पत्र बनाना, लेकिन योजना बनाना नहीं आता सर। योजना बनाना मूल्यांकन में आता है, इसमें नहीं आता है। अब ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो रटी रटाई सोपान है। तो उद्देश्य का निर्धारण करते हैं, क्या मतलब जांच करना है उसका पता करते हैं, कैसे जांच करना है उसका पता, और लास्ट में पेपर बनाते हैं। योजना बनाना मूल्यांकन में आता है सर, योजना बनाना उपलब्धि परीक्षण का हिस्सा नहीं होता। प्रामाणिक और अप्रमापीकृत, प्रामापीकृत और अप्रमापीकृत परीक्षण का निर्माण किया जाता है। प्रमापीकृत और अप्रमापीकृत परीक्षण का निर्माण, अच्छा प्रामाणिक और प्रमापीकृत, माफी चाहता हूं, प्रामाणिक और प्रमापीकृत जो विधियां हैं उनका परीक्षण का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है? तो जिनमें संख्यात्मक रूप से हम रिजल्ट निकालते हैं वो लिखित परीक्षाएं, और लिखित परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ भी होती है और निबंधात्मक भी होती है। इसलिए सर प्रामाणिक और प्रमापीकृत परीक्षणों का निर्माण दोनों ही प्रकार की परीक्षाओं से किया जाता है। ये तो गलत हो जाएगा ना, माफी चाहता हूं, उसको सही कर लिया मैं तो, गलत बोल गया। इसका मतलब गलत इसलिए हो गया क्योंकि प्रामाणिक कहा है तो यहां विश्वसनीयता का गुण नहीं पाया जाता, इसलिए वस्तुनिष्ठ से संबंध बताया गया है। तो प्रामाणिक शब्द है यहां, प्रमापीकृत है, प्रामाणिक और प्रमापीकृत दोनों, तो प्रमापीकृत में तो दोनों आती है लेकिन प्रामाणिक शब्द जोड़ा है, इसलिए आपका उत्तर वस्तुनिष्ठ ही कहा है। इसको सुधार कर लेना, थोड़ा सा गलत बोल गया मैं। प्रमापीकृत है यहाँ और साथ में प्रामाणिक भी है, तो प्रामाणिक रिजल्ट आपको यहाँ नहीं मिलते, यहाँ मिलते हैं। तो दोनों का संबंध होने के कारण हम प्रमापीकृत तो दोनों हैं, लेकिन प्रमापीकृत के साथ प्रामाणिक किसको कहा है? वस्तुनिष्ठ को कहा है। परीक्षा में मापन और मूल्यांकन का संबंध, मापन मूल्यांकन और उद्देश्य का संबंध बताने वाली महान आत्मा का नाम क्या है? ग्रोनलुंड। अच्छा प्रश्न सर आपका कि मापन और मूल्यांकन दोनों में एक संबंध पाया जाता है, वो संबंध होता क्या है? कि मापन सभी मापन मिलकर के क्या कहलाते हैं? मूल्यांकन। और मूल्यांकन से पहले हर क्षेत्र का क्या जरूरी है? मापन। ऐसा संबंध बताने वाले ग्रोनलुंड है सर। अगला है, एक अध्यापक द्वारा निरीक्षण के समय बोध प्रश्न करना। एक अध्यापक पढ़ाते समय क्या करता है? बीच बीच में बोध प्रश्न। बोध प्रश्न क्यों करता है? ताकि वो जो पाठ पढ़ा रहा है ना उसको कितना बच्चों को समझ में आ रहा है, और वो फिर उससे कंफर्म कर लेता है कि हाँ ठीक है समझ में आ रहा है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार मूल्यांकन किसके अंतर्गत आता है? तो सर इसको कहते हैं विकासात्मक या रचनात्मक आकलन। पढ़ाते समय बच्चों से प्रश्न पूछते हुए आगे पढ़ाते रहना, बढ़ते रहना, इसको पाठ के विकासात्मक प्रश्न भी कहते हैं, पाठ प्रवर्धन प्रश्न भी कहते हैं। ऐसे प्रश्नों को रचनात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन कहा जाता है, जबकि ये तो सारी प्रक्रिया के अंत में होता है योगात्मक। तो ऐसे मूल्यांकन का नाम विकासात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन होता है। भावात्मक पक्ष का मूल्यांकन करने के लिए, भाव का मूल्यांकन, भाव इंटरनल का मूल्यांकन करने के लिए कौन से परीक्षण किए जाएंगे सर? बच्चे का अभिरुचि परीक्षण किया जाएगा। भावात्मक पक्ष के मापन के लिए, ज्ञान के लिए उपलब्धि परीक्षण, और बच्चे के भावात्मक पक्ष का जांच करना हो, हमको चेक करना हो, तो उसके द्वारा हमें कैसे परीक्षण आयोजन करना पड़ेगा? उसके लिए हमको अभिरुचि परीक्षण करना पड़ता है। चलिए सर अगला है 45वां सवाल, सत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन। यानी पूरा सत्र समाप्त हो गया है, बच्चे ने कितना अर्जित किया है, इसको हम उपलब्धि या निष्पत्ति परीक्षण के अंतर्गत रखते हैं। और एक व्यक्ति के द्वारा, बच्चे के द्वारा समूची शिक्षण सत्र के दौरान जो जो भी इकट्ठा किया गया, संकलन किया गया, उपलब्धि किया गया, उसको हम संकलनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत रखते हैं। संकलनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में क्या उपयोगी नहीं है? ब्लूप्रिंट का ढांचा तैयार करने में क्या उपयोगी नहीं है? ब्लूप्रिंट बनाने समय शिक्षण के लक्ष्य, पाठ्य वस्तु के प्रकरण और प्रश्न के प्रकारों को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन शिक्षक के द्वारा जो निर्मित सामग्री उसका कोई स्थान नहीं होता। तो ब्लूप्रिंट बनाने के लिए मास्टर जी के द्वारा निर्मित सामग्री का उपयोग नहीं होता। शिक्षण के लक्ष्य, पाठ्य वस्तु के प्रकरण और प्रश्नों के प्रकार सभी उपयोगी है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता, ये ज्यादा उपयोगी क्यों माने जाते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है सर? कि इनके द्वारा निष्पक्ष मूल्यांकन होता है। इसके द्वारा निष्पक्ष मूल्यांकन, रटना तो होता है,
पाठ्यक्रम की व्याप्ति भी है, लेकिन सबसे बड़ा कारण क्या है कि इसके द्वारा निष्पक्ष मूल्यांकन होता है। आपकी कॉपियां चेक करने के बाद कंप्यूटर में डाल दी जाएंगी और सभी का रेट का रिजल्ट निकल के आ जाएगा। विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है, विचार अभिव्यक्ति का मौका, विचार अवसर कहाँ मिलता है, ऐसे प्रश्न बताइए। कौन से प्रश्न आपके निबंधात्मक, जहाँ लिखने का पूरा अवसर आपको मिलता है, अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण में प्रस्तुत किया था, तो त्रिमुखी बताने वाले, त्रिकोण में प्रस्तुत करने वाले कौन है आपके आदरणीय, ब्लूम भाई साहब हैं। त्रिकोण या त्रिआयामी बताने वाले ब्लूम हैं। प्रश्न पत्र निर्माण करना चाहते हैं आप, प्रश्न पत्र का निर्माण करना चाहते हैं, पेपर बनाना चाहते हैं, लेकिन पेपर बनाने से पहले किस प्रपत्र का निर्माण करना जरूरी है, तो पेपर बनाने से पहले बनाया गया प्रपत्र नील पत्र कहलाता है, नील प्रपत्र कहलाता है, जिसको इंग्लिश में आप ब्लूप्रिंट के नाम से जानते हैं। पहले ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, उसके बाद में प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है, जिसमें ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, क्रियात्मक और कौशलात्मक प्रश्नों को स्थान दिया जाता है। चलिए साहब, कौन सी एक मापन की मूल्यांकन की व्यापक विशेषता नहीं है, ये वापस रिपीट हो गया, इसका उत्तर हमने पहले पढ़ा भी था कि मूल्यांकन विद्यार्थी की रटंत स्मृति कितनी बड़ी, इस पर ध्यान नहीं देता, बल्कि उद्देश्यों की प्राप्ति कहां तक हुई और दिए जाने वाले अधिगम के अनुभव कितने प्रभावी रहे, उद्देश्य की प्राप्ति कितने अच्छे ढंग से हुई, इन पर ध्यान दिया जाता है। रटने वटने की बात इसमें नहीं की जाती है। विद्यार्थी की उपलब्धि व कमियों का निरंतर रिकॉर्ड रखा जाता है, बच्चे के द्वारा प्राप्त उपलब्धि और उसकी कमियां, इनका निरंतर शब्द आया सर, निरंतर रिकॉर्ड ये किया जाता है सर आपके कौन से मूल्यांकन में, सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन में, जो हम आगे चर्चा करने वाले हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, कौन सी एक बात है जो ठीक नहीं है, विश्वसनीयता क्या है, छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों में विचलन नहीं होना, बार बार अंक समान हो, ठीक है बात तो सही है, वस्तुनिष्ठ क्या है, परीक्षक की रुचि, भावना, दृष्टिकोण का मूल्यांकन प्रभाव नहीं पड़ता तो वस्तुनिष्ठ सही है, मूल्यांकन सक्षम असक्षम छात्रों में भेद करने की सामर्थ्य रखता हो तो विभेदीकरण सही है, वेदता, परीक्षक की रुचि भावना ये गलत बात है, परीक्षक की रुचि भावना को वस्तुनिष्ठता से जोड़ते हैं, वेदता का मतलब होता है मूल्यांकन जिस उद्देश्य के लिए किया जाए उसी उद्देश्य की पूर्ति करने वाला होना चाहिए, इसलिए लास्ट का ऑप्शन एकदम गलत है। पाठ्य पुस्तक के मूल्यांकन का आधार बिंदु बन सकता है, एक पाठ्य पुस्तक के मूल्यांकन का आधार बिंदु क्या हो सकता है, कि पाठ्य पुस्तक का स्तर छात्रों की आयु के अनुकूल हो, यदि पाठ्य पुस्तक चित्रमय, आकर्षक व रंगीन हो, पाठ्य पुस्तक की सामग्री छात्र उपयोगी हो, यानी तीनों चारों चीजें ही हो तो ये आप बच्चे की मूल्यांकन का आधार बन सकती है। इसके बाद में अगला प्रश्न है मेरा 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 दो पांच प्रश्न और है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से क्या करते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से जो पिक पॉइंट होते हैं, विषय वस्तु आधारित प्रश्न होते हैं, बच्चों की स्मृति, अर्जित ज्ञान, बोध और विचार संग्रह की जांच की जाती है। पहला ऑप्शन आपका सही है। रुचि उत्पन्न करना, कमजोरी का पता लगाना निदान का काम है, भावाभिव्यक्ति का क्षमता का ज्ञान निबंधात्मक प्रश्नों का ज्ञान है। तो स्मृति, अर्जित ज्ञान, बोध, विचार संग्रह कितना आप रख सकते हैं खोपड़े में, इसका परीक्षण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से किया जाता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में क्रमिक प्रक्रिया क्या है, वर्तमान की शिक्षा प्रणाली में क्रमिक यानी क्रमशः चलने वाली, लगातार चलने वाली प्रक्रिया का नाम क्या है, मूल्यांकन प्रक्रिया है। लगातार चलने वाली प्रक्रिया का नाम क्या है, मूल्यांकन प्रक्रिया है। मूल्यांकन किस प्रकार के शिक्षण पर बल देता है, मूल्यांकन निदानात्मक के साथ, संज्ञानात्मक के साथ, स्वभावात्मक के साथ, मूल्यांकन हमेशा बल देता है उपचारात्मक शिक्षण पर, बच्चे की अधिगम संबंधी समस्याओं का समाधान हो और मुख्य धारा से दौड़ जाए, इसके लिए बच्चे का उपचार शिक्षण दिया जाना चाहिए। शिक्षण विधियों की उपादेयता और सीमाओं का ज्ञान किससे होता है, शिक्षण विधियां कितनी उपयोगी रही, कितनी अनुपयोगी रही, कहां तक कम रही, इसका ज्ञान हमें किसके द्वारा होता है, मूल्यांकन के द्वारा होता है। मूल्यांकन नहीं होता तो दौड़ में लट देता, मास्टर जी जैसे पढ़ा देते। मूल्यांकन की परिमाणात्मक प्रविधि के अंतर्गत कौन सी आती है, परिमाण, परिमाण का मतलब प्रमापीकृत विधियां जिनको हम काउंट कर सकते हैं, संख्या के हिसाब से दिखा सकते हैं, तो मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और प्रायोगिक, यानी सभी परीक्षाएं परिमाणात्मक परीक्षाओं के अंतर्गत आती हैं, इनमें से कोई भी गुणात्मक नहीं है। मूल्यांकन का परिमाणात्मक प्रकार किससे संबंध होता है, परिमाण, परिमाण का संबंध सर किससे होता है, ज्ञान से होता है, जबकि गुण का संबंध किससे होता है, भाव से होता है, और कौशल का संबंध किससे होता है, आपका क्रिया से होता है। तो परिमाण का संबंध ज्ञान से होता है। इस प्रश्न का उत्तर दो या तीन शब्दों में, यानी दो तीन शब्दों में उत्तर दिया जाए या एक पंक्ति में उत्तर दिया जाए, जिस शब्द का उत्तर दो या तीन शब्द या एक लाइन में दिया जाए, एक लाइन में हो तो वो अति लघु उत्तरात्मक है, निश्चित उत्तर हो तो वस्तुनिष्ठ है, बड़ा व्यापक उत्तर हो तो वो निबंधात्मक है, और लगभग तीन चार लाइन या चार पांच लाइन में दी जाए तो वो आपका लघु उत्तरात्मक प्रश्न है।
इससे भी प्रश्न आपका जरूर आता है परीक्षा में। मूल्यांकन की गुणात्मक परीक्षाओं के अंतर्गत गुणात्मक इंटरनल अंदर की भावात्मक में रेटिंग स्केल जांच सूची निरीक्षण एनेक्डोटल संचय अभिलेखन सभी ये सभी आपकी गुणात्मक परीक्षणों के प्रकार हैं। गुणात्मक परीक्षाओं में इनका स्थान रखा जाता है, ये सभी इंटरनल का प्रयोग करते हैं। उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षणों में क्या अंतर है? उपलब्धि परीक्षण के द्वारा हम बच्चे के द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान संग्रह का कितना सीखा सूचनाओं का पता करते हैं, जबकि नैदानिक परीक्षणों में हम बच्चे के सदिगम में आने वाली कमजोरियों का कारणों का पता लगाते हैं। तो मेन प्रॉब्लम है सर उद्देश्य का, इसका उद्देश्य बच्चे के द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों का ज्ञान करना है और इसके द्वारा प्राप्त उपलब्धि में आने वाली अड़चनों का समस्याओं के कारणों का पता लगाना है। तो उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में मूल अंतर आपका उद्देश्य का होता है। एक परीक्षण जिस गुण मापन के लिए बना है यदि उसी का मापन करे तो इस गुण का नाम वैधता होता है। जिसके लिए परीक्षण बनाया जाए परीक्षण उसी का किया जाए तो इस गुण का नाम वैधता होता है, इस गुण का नाम वैधता होता है। ये आपके मूल्यांकन के प्रश्न थे। इसके बाद में मेरे पास अब ज्यादा प्रश्नों का संग्रह बचा नहीं है, मेरे पास में बचा है केवल 70 प्रश्न 80 प्रश्न और हैं भी तो हैं, बने रहे मेरे साथ में। अब यहां से आपके प्रश्न प्रारंभ होते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन, निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण। चलते हैं बिना विराम के, हम पानी पी लें केवल बस। तो निदानात्मक और उपचारात्मक, निदानात्मक परीक्षण होता है, उपचारात्मक शिक्षण होता है। चलिए साहब, पठने पढ़ने में दुर्बल छात्र नाम करते, दुर्बल छात्रों के लिए कीदृशम शिक्षण प्रदीयते, कैसा शिक्षण दिया जाता है? कमजोर बच्चों के लिए कैसा शिक्षण दिया जाता है? शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। आपकी परीक्षा में रिपीट होता है, खूब होता है, भयंकर रिपीट होता है। पाठ्य विषय कोई भी छात्र दुर्बलश्चेत, पढ़ने के विषय में कोई भी छात्र दुर्बल है तो अध्यापकत्वेन अध्यापक होने के नाते आपके द्वारा किम कर्तव्यम स्यात्, क्या करना चाहिए? सर दुर्बलता को जान करके उसे दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। उसकी दुर्बलता को जाने, आखिर उसकी दुर्बलता का कारण क्या है और उसको दूर करने का प्रयास करें, उसका कारण जानने के लिए प्रयास करें, उसकी विशेष दुर्बलता की खोज करें और प्रत्येक विषय में अलग से दुर्बलता की खोज करें, या दुर्बलता जानने की दुर्बलता जानने के साथ उसको दूर करने का प्रयास भी करना चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण किन भवती, सर उपचारात्मक शिक्षण से क्या होता है? ये भी अच्छा प्रश्न, खूब रिपीट होता है। छात्रों की त्रुटियों की गलतियों का निवारण होता है, पढ़ने आदि का बार बार अभ्यास करवाते हैं, लेखन आदि कलाओं की निपुणता बढ़ती है, लेखन पठन कौशल सभी बढ़ता है। तो उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा सभी बढ़ता है। सर क्लास रुक गई क्या, क्या करें? ये परीक्षा में बहुत खतरनाक है, आज का ये तालिबानी डोटासरा सवाल है, ये परीक्षा में जरूर मिलेगा सर आपको। परिष्करणात्मक, परिष्कार करने की, शोधन करने की, साफ सुथरा बनाने की विधि का नाम क्या है? तो सर परिष्करणात्मक जो विधि है उसका नाम क्या है? उपचारात्मक विधि होता है। ये बालक की कमजोरियों को, बालक की समस्याओं का साफ सुथरा काम करती है। उपचारात्मक शिक्षण होता है, क्या है उपचारात्मक शिक्षण? वही वापस रिपीट हो गया प्रश्न आपका, छात्रों की त्रुटि का निवारण, पठन का अभ्यास और लेखन कला में निपुणता। तो ये सभी ऑप्शन आपके सही है, रिपीट है, एक बार और रिपीट होगा। अगला प्रश्न आपका 71 में, उपचारात्मक शिक्षणात् पूर्वम, उपचारात्मक शिक्षण से पहले क्या जरूरी है? तो सर उपचार से पहले चिकित्सा में और शिक्षा में दोनों जगह क्या जरूरी होता है आपका? निदान जरूरी है। उपचार से पहले निदान होना बहुत जरूरी है। यदा अध्यापिका अवगमने, जब अध्यापिका अवगमन में समझने में क्लेशान, क्लेशों को, कठिनाइयों को और न्यूनता यानी कमियों को ज्ञातुम, जानने के लिए परीक्षा करोती, परीक्षा करती है, भाई समझ में नहीं आ रहा, तो समझ में क्यों नहीं आ रहा, उसकी कठिनाई और न्यूनता को देखना चाहती है, तो ऐसी परीक्षा को क्या बोलेंगे? सर किसी भी अधिगम में आने वाली समस्या और कारणों को पता करने के लिए निदानात्मक परीक्षा का आयोजन किया जाता है, इसलिए ऐसी परीक्षा का नाम क्या होता है? निदानात्मक परीक्षा होती है। उपचारात्मक शिक्षण मन्यते, उपचारात्मक शिक्षण क्या है? ये निदान यानी कारणों का पता करना, अधिगमनात्मक रिक्ति, समझ में नहीं आ रहा, अधिगम नहीं हुआ उसकी रिक्ति को संज्ञानम च जानना, यही उपचारात्मक शिक्षण है। निदान करना और अधिगम में होने वाली कमी को पूरा करना, मेधावी छात्रों को उद्देश्य करके नहीं होता बल्कि पिछले बालकों को उद्देश्य करके होता है। पाठ्यक्रम उत्तर शिक्षण नहीं होता, पाठ्यक्रम के साथ शिक्षण होता है, अतिरिक्त शिक्षण होता है, लेकिन सबसे सटीक जो आपका उत्तर है वो पहला ऑप्शन ही होता है।
शिक्षा क्षेत्र उपचार इति शब्द से को अर्थ है, शिक्षा के क्षेत्र में उपचार ट्रीटमेंट का मतलब क्या है? सभी प्रकार के दोषों का निराकरणम, सर्वविध दोषाणाम, सभी प्रकार के दोषों का निराकरण करना शिक्षा में उपचार कहलाता है। इसलिए मास्टर जी दवाई नहीं देते, शिक्षण कार्य करवाते हैं। उपचारात्मक शिक्षण हम कर्तुम शक्यते, अरे उपचारात्मक शिक्षण किससे कर सकते हैं हम? तो उपचारात्मक शिक्षण हम कर सकते हैं मूल्यांकन से, मूल्यांकन के द्वारा बच्चे को उपचारात्मक शिक्षण दिया जा सकता है। उपचारात्मक शिक्षण मूल्यांकन से कहते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण हम किम, उपचारात्मक शिक्षण क्या है? उपचारात्मक शिक्षण से छात्रों की समस्या दूर होती है। शिक्षणम इदम, यह शिक्षण समागतेभ्यः दोषेभ्यः त्रायते, आने वाले दोषों से समस्याओं से बच्चों को बचाता है। छात्र शिक्षक एवं छात्र और शिक्षक दोनों में नूतनाम नई नई स्फूर्ति जागृति स्फूर्ति जगाता है। कुल मिलाकर के उपचारात्मक शिक्षण तीनों काम ही करता है, समस्याओं को दूर करता है, दोषों से बचाता है और मास्टर जी और बच्चे दोनों को तरोताजा रखता है। समस्याओं के निदान के बाद दोनों अध्ययन में जुड़ जाते हैं। उपचारात्मक शिक्षण से परिणाम से संबंधे, उपचारात्मक शिक्षण के परिणाम के संबंध में कस्य निर्णय, ये बहुत विवादास्पद प्रश्न था, इसका जवाब दो। ये पहले जब हम करे थे टेस्ट सीरीज में तब भी मैंने लिया था, पर ये थोड़ा प्रश्न विवादों में रहा है, इसका उत्तर दे देगा आप लोग। बार एक बार उपचारात्मक शिक्षण के परिणाम के बारे में, परिणाम संबंध के बारे में किसका निर्णय स्वीकार्य होता है? मैंने भी कई लोगों से पूछा, जाना परखा, फिर लास्ट में एक निर्णय पर पहुंचे कि यदि ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाए तो इसका उत्तर क्या दिया जाए। सर जो फाइनली आपका प्रश्न है जिसकी संख्या 1476 है, मैं देख रहा हूं लैपटॉप में आपके उत्तर, कि उपचारात्मक शिक्षण में किसका निर्णय स्वीकार्य होता है, अभी थोड़ा सा विवादों में रहा है ना, किताब में भी मैंने डाल रखा है लेकिन ये बहुत विवादों में रहा और संतोषजनक तो उत्तर किसी ने दिया ही नहीं। एक बच्चे का उपचार आप कर रहे हैं और उपचार के समय बच्चे के बारे में संबंध में निर्णय देना है, और मैंने दुनिया के देश विदेश के सब विद्वानों से इसका जवाब मांगा है, जब मैं तर्क के साथ जवाब मांगता हूं तो कोई देता नहीं है। इस प्रश्न का मतलब क्या है समझते, अपने हिसाब से मतलब निकालते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण के जो परिणाम निकल के आते हैं, रिमेडियल क्लास लगाते हैं उसके बाद में जो रिजल्ट निकल के आते हैं, हकीकत बात देखना, थोड़ा सा अलग प्रश्न है ये, तो रिजल्ट के संबंध में किसका निर्णय स्वीकार्य होता है? अब रिजल्ट यानी परीक्षणों का आयोजन तो ठीक है शिक्षक करता है, लेकिन रिजल्ट जो निकल के आता है वो रिजल्ट किस में आता है? आपके शिक्षार्थी में, विद्यार्थी में आता है। मैं फिर इस प्रश्न को कई लोगों के सामने रखूंगा, रखता ही आया हूं, लेकिन इसका संतोषजनक जवाब किसी ने दिया नहीं है। अब मैं इसकी व्याख्या थोड़ा अलग ढंग से करता हूं। मैं ये समझता हूं इस प्रश्न से कि जो उपचारात्मक शिक्षण होता है और उसके जो रिजल्ट निकल के आते हैं, यानी आपने किसी बच्चे की कमी थी, कमजोर था बच्चा, उसको सिखाया करा, सही काम हो गया। अब बताओ सही काम हो गया मतलब बच्चे को आपने सिखाया, उसकी कमी को दूर किया, उपचारात्मक शिक्षण दिया, फिर उपचारात्मक शिक्षण के बाद में जो रिजल्ट निकल के आया, अब इस रिजल्ट के लिए आप बताइए किसके निर्णय को स्वीकार करोगे? मास्टर जी विभिन्न प्रविधियों का प्रयोग करेगा, इससे जांच करेगा, लेकिन हकीकत में जो मैं समझ रहा हूं, हो सकता है कि ये प्रश्न आपका गलत भी हो जाए, इसलिए मैं कह रहा हूं साफ साफ, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका कोई प्रश्न गलत हो। तो इस प्रश्न को आप अन्य टीचर्स के सामने रखना, मैंने रखा लेकिन किसी ने संतोषजनक जवाब मुझे आज तक दिया नहीं है, तो मुझे, और ये कहीं ना कहीं कोई हिंदी वगैरह किसी या सीटेट का प्रश्न है, ये अलग अलग उत्तर मिलते हैं कहीं शिक्षक कभी शिक्षार्थी। तो मैं ये समझ रहा हूं कि जब बच्चे को उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है और उपचारात्मक शिक्षण के बाद क्या रिजल्ट रहा, बच्चा सीखा कि नहीं सीखा, बच्चे की समस्या का निदान समाधान हुआ कि नहीं हुआ, तो इसमें परिणाम में इसका किसका निर्णय स्वीकार किया जाएगा? तो सर हम तो बच्चे को देखेंगे ना, कि जो बच्चे के पास में आया इसका मतलब मामला ठीक है, बच्चे के पास नहीं आया इसका मतलब ठीक है नहीं है। हालांकि शिक्षक सारी मॉनिटरिंग करता है, तो मेरे हिसाब से तो इसका उत्तर शिक्षार्थी होना चाहिए, लेकिन फिर भी क्योंकि कुछ लोगों ने बोला ये होना चाहिए, कुछ लोगों ने बोला ये होना चाहिए, बताएगा तो ये देखेंगे तो इसको, तो एक बार मेरा निवेदन है आपसे कि आप भी अपने स्तर पर एक बार टीचर से रखना, है ना, क्योंकि मैं इस प्रश्न में थोड़ा मौन हूं, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपका कोई प्रश्न गलत हो। अगला है उपचारात्मक शब्द है उद्धृतो, उपचारात्मक शब्द कहां से आया? सर ये आपके औषधि शास्त्र से यानी चिकित्सा शास्त्र से आया है। चिकित्सा में जैसे बच्चों का ट्रीटमेंट, मरीज का, रोगी का ट्रीटमेंट किया जाता है, वैसे औषधि शास्त्र से चिकित्सा शास्त्र में उपचार शब्द को लिया गया है। निदानात्मक परीक्षणम कति प्रकार कम भवति, निदानात्मक परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक तो होता है सर निदानात्मक निरीक्षण कार्य और एक होता है निदान में परीक्षण कार्य, यानी एक तो देख करके हम समस्याओं का ज्ञान करते हैं और एक परीक्षाएं लेकर के भी परीक्षणों का ज्ञान करते हैं। तो निदानात्मक परीक्षण में निरीक्षण और परीक्षण दो प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है। निदान से अर्थम अस्ति, कहते हैं निदान का जो अर्थ है वो क्या है, तो कहते हैं कि अधिगम विषयकम, अधिगम विषय काठिन्यम कठिनताओं का और दोषाने दूरों को दूर करने का,
कि निदान क्या है, अधिगम में आने वाली समस्याओं के कारणों का पता लगाना, अधिगम में आने वाली समस्याओं के कारणों का पता लगाना, ऐसी परिभाषा कौन देते हैं कि अधिगम विषय की कठिनताओं और दोषों को दूर करना ही क्या है, निदान है, ऐसे परिभाषा कौन देते हैं? तो गुड़ के समान मीठे व्यक्ति जिनका नाम सीवी गुड़ है, उन्होंने ये परिभाषा दी है कि अधिगम विषय कठिनता और दोषों को दूर करना ही निदान है, सीवी गुड़ महोदय ने। उपचारात्मक शिक्षण का संबंध है, उपचारात्मक शिक्षण का संबंध किससे है? उपचारात्मक शिक्षण का संबंध सर छात्र से है, क्योंकि यहाँ ट्रीटमेंट बच्चे का किया जाता है, उपचारात्मक रिमेडियल क्लास बच्चे के लिए लगाई जाती है। उपचारात्मक शिक्षण पद्धति इति, ये जो उपचारात्मक शिक्षण पद्धति है ना, ये क्या है? समस्या के समाधान में सफलता के प्रति ले जाती है। बात तो सही है, बात तो सही है, एक ही छाटना तो फिर आपका उत्तर ये हो जाएगा कि समस्या के समाधान के प्रति सफलता की तरफ ले जाती है, बाकी कहते व्यतिक्रम समस्या का प्रस्तुतिकरण नहीं करती। कुल मिलाकर समस्या के समाधान के प्रति हमको ले जाती है, किसी भी समस्या के समाधान की ओर हमें उपचारात्मक शिक्षण ले जाता है। बालक की कमजोरी या कमजोरी के कारणों का पता शिक्षण में लगाया जाता है, किसी भी बालक की कमजोरी कहाँ है, कमजोरी के कारणों का पता कहाँ लगाते हो? तो कमजोरी के कारणों का पता हम निदानात्मक, सॉरी निदानात्मक परीक्षण का ही नहीं लिखा इसमें, होना चाहिए ना इसमें। अब देखो यहां पर भी छोटी सी प्रॉब्लम है कि बालक की कमजोरी और कमजोरी के कारणों का पता तो कहां लगाते हैं, निदानात्मक परीक्षणों में लगाते हैं, लेकिन यहां शिक्षण लिखा है, इसलिए फिर ही आपका मामला गड़बड़ हो जाता है। इसलिए इसका उत्तर पहला ऑप्शन ही जाएगा, कहां पर? उपचारात्मक शिक्षणों में लगाते हैं। तो बच्चे की समस्याओं के कारणों का पता निदानात्मक शिक्षण, इसको परीक्षण करो भाई, है ना, जिनके पास किताब है उसको भी सही कर ले आप, शिक्षण नहीं होना चाहिए, निदानात्मक परीक्षण होना चाहिए, है ना। तो बच्चे की समस्याओं के कारणों का और कमजोरी का पता लगाना क्या होता है, निदानात्मक परीक्षण होता है। तो कृपया इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, ठीक है, इसको भी सही कर लेना, जो किताब जिनके पास में है, निदानात्मक परीक्षणों में किया जाता है। सर नैदानिक परीक्षणों की विधियों में शामिल नहीं है, मैंने कहा था दो प्रकार की विधियां होती है निदान की, एक तो निरीक्षण और एक होती है आपकी परीक्षण, सारी है, साक्षात्कार, अभिलेख, अभिरुचि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, तो इसका मतलब या तो सभी आई है। वैसे मोटी दो विधियां आपकी दो प्रकार से, एक तो परीक्षण और एक निरीक्षण, बाकी ये भी सही है, निरीक्षण, साक्षात्कार, अभिलेख, अभिरुचि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, ये भी आपके सब इसमें आ जाते हैं। 84 नंबर का सवाल है, उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था में नहीं आता है, उपचारात्मक रिडेलमिल क्लास में क्या नहीं आता है? सर ध्वनि संबंधी यानी उच्चारण संबंधी ज्ञान का पता करना, वर्तनी संबंधी माना लिखावट संबंधी ज्ञान का पता करना, रचनागत संबंधी कोई रचना कर रहे उसमें गलतियां करें, वाक्य संबंधी भूलों का पता नहीं करते हैं। वाक्य का मतलब होता है संपूर्ण वाक्य में कुछ भूल जाना, कुछ याद नहीं रहना, ये सब इसमें नहीं आता है। इसमें उच्चारण की शिक्षा दी जाती है, लेखन की शिक्षा दी जाती है, श्रवण भाषण पठन की शिक्षा दी जाती है ना, लिखने की शिक्षा दी जाती है, लेकिन वाक्य संबंधी दोष इसमें नहीं आते। अच्छा प्रश्न है, बहुत बारीकी प्रश्न है, संस्कृत भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है, निदानात्मक परीक्षण क्यों किए जाते हैं, निदानात्मक परीक्षण क्यों किए जाते हैं, उसका कारण क्या है, आखिर हम क्यों निदानात्मक परीक्षण करने का क्यों करते हैं? तो निदान इसलिए करते हैं ताकि समस्या के कारणों का पता लगा सके, केवल इतना। तो कमजोरियों के कारणों का पता लगाने के लिए निदान किया जाता है, कमजोरियों को दूर करने के लिए तो उपचार किया जाता है, उपचारात्मक सुझाव देने के लिए तो उपचार किया जाता है, केवल बालक के कमजोरियों का पता लगाने के लिए निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। संस्कृत भाषा शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण विधि में निम्न में से कौन सी नहीं है, यानी उपचारात्मक रिमेडियल क्लास लाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, अतिरिक्त कक्षा लगाते हैं, गोष्ठी यानी बैठ करके चर्चा करते हैं, विशिष्ट अभ्यास अलग से दिया जाता है, लेकिन व्यायाम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये शिक्षण प्रक्रिया से संबंध है, कुछ शारीरिक प्रक्रिया संबंध इसका नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा क्रम सही है, पहले बच्चा पढ़ेगा समझेगा, फिर समझ में नहीं आया तो कारणों का पता लगाएंगे और फिर जाकर उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका उपलब्धि परीक्षण या निष्पत्ति परीक्षण, तो ये भी है और ये भी है, तो ये तो आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा, इसका मतलब ये आ सकता है और ये आ सकता है, ठीक है, ये आ गया। पहले निष्पत्ति परीक्षण यानी उपलब्धि परीक्षण लिए जाते हैं कि कितना सीखा है देखे तो सही, फिर कमी रही तो कारणों का पता लगाते हैं और फिर लास्ट में बच्चे का उपचार करते हैं। तो पहले उपलब्धि परीक्षण, फिर निदान, कारणों का पता लगाना और फिर लास्ट में उपचार, ये भी अच्छा सवाल है, कई बार रिपीट हुआ है। अगला है 88 नंबर पर आपके लिए, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है, उपचारात्मक शिक्षण कार्य क्यों करवाया जाता है? तो उपचारात्मक शिक्षण के लिए या उपचारात्मक शिक्षण क्यों करवाया जाता है उसका क्या उद्देश्य है, उपचारात्मक क्लास है सर ये, त्रुटियों में सुधार करने के लिए, ज्ञान संबंधी छात्रों की त्रुटियों को दूर करने के लिए, बच्चों में आत्मविश्वास करने के लिए। तो कुल मिलाकर के सभी उत्तर हो जाएंगे आप किसके, उपचारात्मक शिक्षण में सारी चीजें दूर की जाती हैं। अगला है, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है, उपचारात्मक शिक्षण का, तो त्रुटियों का पता लगाना, ये तो आपका आता है निदान में, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना हो सकता है, लेकिन सबसे मेन जो आपका उत्तर है वो मिलेगा स,
छात्रों का पिछड़ापन दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण करवाया जाता है ताकि बच्चे अन्य बच्चों के समान रूप से आगे प्रगति कर सकें। प्रगति का ज्ञान करने के लिए उपलब्धि परीक्षण किया जाता है, छात्रों का पिछड़ापन दूर करना होता है। भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? बच्चों हेतु भाषा प्रयोग के अवसर जुटाना ठीक है, अगली कक्षा में क्रमोन्नत करना ये ज्यादा ठीक नहीं है, बच्चों को विभिन्न श्रेणी में विभक्त करना ये भी ज्यादा ठीक नहीं है। ये है भाषा की प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना, कहां कहां भाषा सीखने में समस्याएं आ रही हैं उन कारणों का पता लगाना। 91 है निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य, सर निदानात्मक परीक्षण है और निदान मतलब कारणों का पता लगाना होता है। अभ्यक्ति सुधार ये उपचार का काम है, भाषा संबंधी क्षमता का मूल्यांकन ये अलग चीज है, कमजोरियों का पता लगाना, निदान मतलब कमजोरियों का पता लगाना, कमजोरियों के कारणों का पता लगाना निदान। निदानात्मक परीक्षण की आवश्यकता है प्रतिभाशाली बच्चों को पहचानने के लिए, छात्रों की कमजोरियों का पता लगाने के लिए। निदान मतलब ही कमजोरी का ज्ञान करना, समस्या का ज्ञान करना, कठिनाई का ज्ञान करना, कारणों का ज्ञान करना। कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता क्यों है? उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता दृष्टि दोष वाले बालकों के लिए, कक्षा स्तर अनुकूल प्रगति न करने वाले बालकों के लिए, जो कक्षा के स्तर के हिसाब से एवरेज बालकों के साथ प्रगति नहीं करते हैं, ऐसे बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षण करवाया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण द्वारा क्या करते हैं? कमियों का उपचार करते हैं, बात तो सही है, छात्रों के घायल हो, अच्छा सॉरी बात सही कहाँ है, अध्यापक की कमियों का थोड़े ना उपचार करते हैं, गलत है, घायल हो जाने पर ट्रीटमेंट थोड़े ना करते हैं, छात्र की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण कार्य करवाया जाता है। तो मास्टर जी की कमियों का नहीं करते, बच्चों की करते हैं, घायल हो जाने पर पट्टी नहीं करते, कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण कार्य करवाया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का कार्य है? उपचारात्मक शिक्षण एक अनुदेशनात्मक कार्य है, बच्चे को निर्देश अनुदेश और विश्वास में रखकर उसकी समस्याओं का उपचार किया जाता है, अनुदेशनात्मक। निदानात्मक परीक्षण के बाद तुरंत किसकी जरूरत पड़ेगी? उपचार की। तो निदान के बाद किसकी जरूरत पड़ती है आपको? ट्रीटमेंट यानी उपचार की, और उपचार से पहले क्या जरूरी है? निदान। तो निदान उपचार, उपचार से पहले निदान, तो निदानात्मक परीक्षण के बाद उपचार की जरूरत पड़ेगी। निदानात्मक परीक्षण विधि का प्रकार, मैंने कहा था ना आपसे कि परीक्षण विधियां और निदानात्मक दो प्रकार की परीक्षण की विधियां आती हैं, तो निदानात्मक परीक्षण एक तो परीक्षण से आता है, परीक्षण लेकर के, और एक निदानात्मक निरीक्षण तो है ही नहीं इसमें, निरीक्षण से आना चाहिए, तो एक तो परीक्षण विधि यानी निरीक्षण होना चाहिए हकीकत में तो यहां, और एक निदानात्मक परीक्षण, दोनों प्रकार से किया जाता है। चलिए साहब अगला है, नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहेगी? निदान और उपचार कब तक चलता रहेगा? जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता, जब तक छात्रों की कमजोरी दूर नहीं हो जाती, जब तक बच्चों की समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक निरंतर ये काम चलता रहेगा। बालकों की सीखने संबंधी समस्याओं का पता लगाने की प्रक्रिया ही शैक्षणिक निदान है, कठिनाइयों का पता लगाना ही शैक्षणिक निदान है। ये परिभाषा किसने दी है? सिंह साहब ने दी है, निरंजन कुमार सिंह ने दी है, निरंजन आर्य भी नहीं है, निरंजन साहब भी नहीं है, निरंजन कुमार सिंह साहब ने कहा कि कठिनाइयों का पता लगाना ही निदान है। शैक्षणिक निदान में निम्न में से कौन सी विधि नहीं है? निदान करने के लिए मेडिकल टेस्ट भी होता है शारीरिक समस्या के लिए, साक्षात्कार होता है, अभिलेख होता है, देखो और पढ़ो, ये तो पठन की विधि है साहब, निदान परीक्षण की विधि नहीं है। व्याकरण के ज्ञान से भाषा कैसी बनती है? व्याकरण का ज्ञान आएगा तो आपकी भाषा कैसी बनेगी श्रीमान? आपकी भाषा व्याकरण के ज्ञान से शुद्ध और स्पष्ट होती है, शुद्ध होती है। जितना ग्रामर आपको आएगा, ग्राम भाषा आपकी उतनी शुद्ध है। छात्र शुद्धता पूर्वक तभी लिख सकते हैं जब अपनी त्रुटियों का ज्ञान हो, अभिभावकों को परिचित कराया जाए, दंडित किया जाए, जब शिक्षक उन त्रुटियों को सुधारने दे। तो शुद्धता पूर्वक तभी लिखेगा जब उनको अपनी त्रुटियों का ज्ञान हो कि यहां यहां गलतियां मैं करता हूं, यहां यहां मुझे गलती नहीं करनी चाहिए, बाद में सुधारने की बात नहीं है, पहले की बात है। उपचारात्मक शिक्षण में शामिल नहीं है। अभ्यास कार्य भी दिया जाता है, उत्तर पुस्तिकाओं का विश्लेषण से कोई मतलब नहीं है, ये वाक्य थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। पाठ्य वस्तु की कठिनाई दूर करना सही बात है, परीक्षार्थियों से संबंधित कठिनाइयां दूर करना सही बात है, उत्तर पुस्तिकाओं के विश्लेषण से कोई मतलब नहीं है। उपचारात्मक शिक्षण में यह नहीं होता। निदानात्मक परीक्षण से पता चलता है किसका? कठिनाई के कारणों का, अधिगम की प्रकृति नथिंग, कठिनाई का कि कठिनाई कहां है, कठिनाई के कारण क्या है। निदानात्मक परीक्षण से पता चलता है किसका? कठिनाई का या कठिनाई के कारणों का।
वह प्रक्रिया जिसमें निदान व उपचारात्मक कार्यों के माध्यम से कठिनाइयों को पहचान करके प्रगति का आकलन किया जाता है। दोबारा देखते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें निदान और उपचारात्मक कार्यों के माध्यम से कठिनाई को पहचान करके प्रगति का आकलन किया जाता है। जहां तक है ये आपका योगात्मक मूल्यांकन है, कौन सा है? ये प्रश्न कहां से ले लिया इसने यार, है ही नहीं इसमें। योगात्मक होना चाहिए, जहां तक है योगात्मक ही होना चाहिए। देखो, निदान और उपचार कार्यों के माध्यम से लास्ट फाइनल, तो इसको योगात्मक ही करना आपको, है ना, योगात्मक ही होना चाहिए। वह प्रक्रिया जिसमें निदान व उपचार कार्यों के माध्यम से कठिनाई का पहचान करके प्रगति का आकलन किया जाता है। तो देखो, अंतिम परीक्षा तो हमारी है ही नहीं सतत व्यापक में, एकीकृत मूल्यांकन से मतलब नहीं, रचनात्मक पाठन के साथ साथ होता है, लास्ट में नहीं होता। तो निदान और उपचारात्मक कार्यों के माध्यम से कठिनाई को पहचान करके प्रगति का आकलन योगात्मक में ही होता है, समेटिव असेसमेंट लास्ट वाले में आपका होता है। चलिए साहब, ये आपके सामान्य इसके प्रश्न थे, यही समाप्त करते हैं। लास्ट प्रश्नों की श्रृंखला में लगभग 20 से 30 प्रश्न मेरे पास सीसीई के भी हैं, तो जाते जाते जरा इनको भी आप लेते जाइएगा। सीसीई का पूरा नाम क्या है? सीसीई का पूरा नाम कॉन्टिन्यूस एंड कंप्रेहेंसिव इवोल्यूशन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन। इसका आज तक परीक्षा में ये एक ही प्रश्न आया है, हमारे संस्कृत में सीसीई का केवल एक ही प्रश्न आया आज तक का रिकॉर्ड है, कि बताओ इसका पूरा नाम क्या है। सतत मूल्यांकन एक निहितार्थ है। सर, सतत मूल्यांकन क्या है? भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना, बच्चों की परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना, बात तो सही है, प्रतिदिन कक्षाएं लेना, हर मरीज से परीक्षा देना, इसका मतलब होता है सर बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करते रहना चाहिए, लगातार देखते रहना चाहिए बच्चा कितना सीख रहा है भाषा को। भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अपनाना, कि बच्चा कैसे सीखता है इस बात को ध्यान में रख करके आगे उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाते हैं। क्रमोन्नत करने तो साक्ष्य जुटाना ये भी ठीक नहीं है, त्रुटियों की पहचान करना निदान होता है, इस परंपरा का निर्वाह करना ये कोई गलत बात है। चलिए साहब, अगला प्रश्न है, सीबीएसई में किस वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षा से सतत और समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू कर दी थी? 10th क्लास में 2010 में लागू कर दी थी। अब 2010 आगे 11 का सत्र चलेगा, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा कि सीबीएसई ने 2010-11 यानी 2010 में लागू किया, तो 2010-11 सत्र में इसको प्रारंभ कर दिया था। सतत आकलन का उद्देश्य क्या जानना होता है? सतत आकलन का उद्देश्य यह होता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं इस बात की जानकारी करते हैं। तो सतत आकलन से, सतत मूल्यांकन से हम ये देखते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं, कैसे सीखते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन के कार्य क्या हैं? थोड़ा सोच समझ के बताना आपको। अध्यापक को प्रभावकारी कार्य नीतियां आयोजित करने में सहायक, शिक्षार्थियों को शक्तियों कमजोरियों आवश्यकताओं का स्तर जानने में सहायक, शिक्षार्थियों की प्रगति की सीमा और मात्रा को आंकने में सहायक। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है सभी, अध्यापक को प्रभावकारी नीतियां शिक्षण विधियों का प्रयोग करने में, शिक्षार्थी की शक्ति कमजोरी आवश्यकता है उनको जानने में, और शिक्षार्थी की प्रगति की सीमा और किस मात्रा में हुई है, इन सारी चीजों के लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन आपकी हेल्प करता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन में सीबीएसई में कुल कितने निर्माणात्मक, निर्माण का मतलब होता है जी आपका रचनात्मक, और संकलनात्मक का मतलब समेटिव योगात्मक, तो निर्माणात्मक तो कितने होते हैं 2 और योगात्मक कितने होते हैं, सॉरी निर्माणात्मक तो कितने होते हैं आपके रचनात्मक 4 और संकलनात्मक योगात्मक होते हैं 2, 4 2 तो कुल कितने हो गए 6, तो 4 तो रचनात्मक आकलन, 2 आपके योगात्मक आकलन। इस प्रकार सीबीएसई में वर्तमान में कितने 6, जबकि राजस्थान में मामला अलग है, राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने हैं, इधर आप जाओगे 6 तो रचनात्मक और 3 आपके योगात्मक, इस प्रकार से 9 टोटल इस समय आपके आकलन होते हैं। तो टोटल पूछा है इसने 2, 4, 2, 6। अगला प्रश्न है, सतत और समग्र मूल्यांकन होता है, क्या है सतत और सतत मूल्यांकन? वर्ष के अंत में परीक्षा नहीं होती, 2-3 बार अंतरिम जांच और एक अंतिम परीक्षा, कभी कभी शिक्षक की इच्छा अनुसार भी नहीं होती। चलिए साहब, अध्यापन शिक्षा प्राप्ति की संपूर्ण प्रक्रिया में सतत रूप से चलता है, अध्यापन यानी शिक्षण की प्रक्रिया में पढ़ाने में लगातार रूप से आपका ये मूल्यांकन चलता है, इसको हम सतत और समग्र मूल्यांकन कहते हैं।
सतत और समग्र मूल्यांकन सीबीएसई की बात कर रहा हूं, इसमें कुल कितने फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी रचनात्मक प्रावधान है, रचनात्मक मूल्यांकन कितने होते हैं, सीबीएसई की बात कर रहा हूं, सीबीएसई में रचनात्मक मूल्यांकन कितने होते हैं आपके, चार, जबकि राजस्थान में कहता तो कितने बताते हैं आप, छह, राजस्थान में छह होते हैं जबकि सीबीएसई में कितने होते हैं, चार होते हैं। सीबीएसई में ए ग्रेड कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर आती है, तो 90 तक तो मामला गड़बड़ है, 90 से ऊपर, 91 से लेकर 100 तक, यदि कोई बच्चा 91 या इससे ज्यादा लेकर आता है 100 तक, तो उसको ए प्लस ग्रेड, ए प्लस ए नहीं है, ए प्लस ग्रेड दी जाती है। नेक्स्ट है सतत और समग्र मूल्यांकन सीबीएसई में कुल कितने समेटिव असेसमेंट, समेटिव का मतलब एस ए, माना योगात्मक यानी संकलनात्मक मूल्यांकन होते हैं, तो बताइए सीबीएसई में कितने एस ए होते हैं, ये आपके होते हैं दो। अच्छा कुछ शब्द और मैं आपको बता देता हूं, एक तो होता है आपका रचनात्मक, इसको कहते हैं सर निर्माणात्मक, क्या कहते हैं निर्माणात्मक, एक होता है आपका योगात्मक, और योगात्मक का ही दूसरा नाम एक होता है आपका संकलनात्मक, ऐसे कुछ नाम भी हैं, कई बार चक्कर पड़ जाता है आपको, इसी को आप समेटिव असेसमेंट कहते हो और इसी को आप रचनात्मक यानी निर्माणात्मक, इसको आप एफ ए कहते हो, तो कई बार ये भी समस्या आ जाती है कि संकलनात्मक का नाम आते गड़बड़ हो जाता है। सतत मूल्यांकन विधा क्या है, आधुनिक और नवीन मूल्यांकन विधियां हैं, पारंपरिक मूल्यांकन विधियां तो हो ही नहीं सकती, मूल्यांकन की वस्तुनिष्ठ दोनों है यानी ए और सर दोनों, तो आपका उत्तर हो जाएगा सर द, ये एक आधुनिक और नवीन दोनों मूल्यांकन विधियों का मिला जुला रूप है और ये मूल्यांकन की वस्तुनिष्ठ विधि है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है सतत और समग्र मूल्यांकन में समग्र मतलब क्या है, समग्र से मतलब क्या है, संपूर्ण विषय वस्तु का मूल्यांकन, सभी उद्देश्य मूल्यांकित किए जाएं, बच्चों के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का अनवरत लगातार मूल्यांकन, तो सतत मानी अनवरत लगातार और समग्र का मतलब व्यक्तित्व के सभी, या विषय वस्तु उद्देश्य आदि का कोई लेना देना नहीं, इसलिए सभी उत्तर आपका नहीं होगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन का जो सतत पहलू है इसके अंतर्गत क्या है, सतत का मतलब निरंतरता का या केवल आवधिक का, तो केवल आवधिक नहीं है सर कि अवधि पर ही हो, बल्कि सतत का मतलब निरंतर लगातार पूरे शिक्षण सत्र काम होना चाहिए, किसी विशेष अवधि के नहीं होना चाहिए। सतत और व्यापक मूल्यांकन के सह शैक्षिक क्षेत्र हैं, एक तो संज्ञानात्मक, इसमें पाठ्यक्रम आपकी तीन भाषाओं का ज्ञान और गणित सामाजिक विज्ञान आता हो, लेकिन जो सह शैक्षिक गतिविधियां उसमें जीवन कौशल भी आता है, कार्य शिक्षा भी आती है, दृश्य एवं प्रदर्शन कला, अभिवृत्ति मूल्य सभी आते हैं भाई साहब, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ये सारे के सारी सह शैक्षिक गतिविधियां जो आपके सीसी में काम आती है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रभावी रूप से बल किसमें दिया था, सर ये भी अच्छा प्रश्न आपके लिए कि सतत और व्यापक मूल्यांकन पर सर्वाधिक पहली बार बल जिस पर दिया गया वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी, जिसमें सबसे पहले बल दिया गया। सतत व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है मूल्यांकन को नियमित और समग्र बनाना, तो है रटने की बजाय समझ पर ले जाना भी है, शिक्षक की भूमिका कम करना ये बात जमी नहीं, शिक्षक की भूमिका उतनी ही आज भी इसलिए गलत बात है, निदान और उपचार को प्रोत्साहित करना ये भी सही है, तो शिक्षक के कार्यों को न्यून करना ये बात जमी नहीं, ये आपका गलत उत्तर है, इसको बाहर कर दिया। भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण की श्रेणी में रखना, इससे कोई मतलब नहीं है, सीखने की प्रक्रिया को जानना समझना ये हो सकता है, बच्चे की कमियों का जानना ये निदान का काम है, ये बच्चे ने कितना सीखा है ये भी मतलब नहीं है, हमें मतलब है बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना कि बच्चा भाषा कैसे सीखता है उसको जानना समझना। 23 है योगात्मक और रचनात्मक मूल्यांकन का एक सत्र में प्रतिशत अनुपात क्या होता है, इस सवाल का जवाब दो, इसमें करीब करीब 50% जनसंख्या फैलती और मुझे इतने लोगों ने मैसेज किए थे गुरुजी ये क्या है इसका मतलब क्या, समझ नहीं पाए आप, योगात्मक और रचनात्मक मूल्यांकन का अनुपात पूछा था मैंने सीबीएसई के हिसाब से, अब एक बार इधर जवाब है, सीबीएसई में क्या अनुपात है, योगात्मक जो होता है वो होता है 2 बार, कितने कितने परसेंट, 30-30, तो कितने नंबर का हो गया, 60 नंबर का, और ये जो आपका रचनात्मक होता है वो ऐसे 4 बार होते हैं, 10-10-10-10, तो कितने नंबर का हो गया, 40 का, बात समझ में आई क्या, योगात्मक तो कितने नंबर का हो गया, 40 नंबर का, और रचनात्मक कितना परसेंट होता है, 40%, 40 नंबर का, सीबीएसई की बात कर रहे हैं हम, अब योगात्मक 60 हुआ, रचनात्मक 40 हुआ, अब इन दोनों का अनुपात तो आप गणित की भाषा में पढ़े होंगे ना, अनुपात कैसे निकालते हैं, 20 एकम 20, 20 दुना 40 कर लो यानी 2 दुना 4 और 2 3 6, तो अनुपात क्या हो गया, 3:2, नहीं समझ में आया, कई लोग ऐसे थे जो बात को समझ ही नहीं पाए और उल्टा मुझे कह रहे थे गुरु जी वो काहे दे दिया, वो काहे दे दिया। सत्र के अंत में आयोजित परीक्षा मूल्यांकन के किस गुण की अवहेलना करती है, मान लो पूरा सत्र निकल गया और लास्ट में जाकर के परीक्षा का आयोजन करते हैं
तो बताइए सर, कौन सा ऐसा गुण है जिसकी अवहेलना करेंगे तो सत्र के अंत में आयोजित होने वाली परीक्षा विशेष जो गुण है किस गुण की अवहेलना करती है, तो आपका एक गुण है जिसका नाम है निरंतरता। कि एक बार परीक्षा हुई, सावधिक परीक्षा हुई सर, निरंतर परीक्षा तो नहीं होती ना, बाकी व्यापक भी ले सकते हो, आप सभी बच्चों का साथ ले सकते हो, लेकिन निरंतर परीक्षा नहीं होती, इसलिए सतत और व्यापक लेकर आते हैं। कहते हैं कि सीसी में व्यापकता से क्या मतलब नहीं है, व्यापकता किसकी व्यापकता नहीं, उपकरणों की व्यापकता, विषयों की व्यापकता, दायरे की व्यापकता, प्रश्नों की व्यापकता, तीन तो सही है लेकिन विषय व्यापकता से मतलब नहीं है। उपकरण जो आप प्रयोग में लेते हैं उनकी व्यापकता, दायरा मतलब उसका अवलोकन का दायरा और प्रश्न की व्यापकता, लेकिन विषय की व्यापकता से इसे कोई लेना देना नहीं है। गलत हो गया क्या, ये भी गलत है, दोबारा माफी चाहते हो, इसको सही कर लेना। इसमें विषय प्रश्न के लिए कहा है कि उपकरण की व्यापकता भी है, विषय की व्यापकता भी दी है, इसका मतलब विविध विषय से लिया है, ठीक है, और दायरे की व्यापकता भी है, प्रश्नों की व्यापकता से नहीं लिया है, इसलिए चौथा उत्तर आपका गलत है। शायद ये लास्ट प्रश्न होना चाहिए जहां तक है। वह मूल्यांकन जो निर्देश की अवधि के दौरान अधिगम की प्रक्रिया की निगरानी हेतु प्रयुक्त होते हैं। देखो, निर्देश की अवधि के दौरान यानी पढ़ाते पढ़ाते समय अधिगम प्रक्रिया की निगरानी के लिए, यानी पढ़ाते पढ़ाते साथ के साथ किए जाने वाले जो मूल्यांकन है वो तो आपके निर्माणात्मक रचनात्मक फॉर्मेटिव असेसमेंट है, और पूरे उपलब्धि परीक्षण के बाद सत्र की समाप्ति पर जो किए जाते हैं ना वो आपके योगात्मक मूल्यांकन, संकलनात्मक मूल्यांकन होते हैं। तो अवधि के दौरान चलते चलते आपका निर्माणात्मक होता है, योगात्मक मूल्यांकन के रूप में शामिल नहीं है। योगात्मक मूल्यांकन में प्रोत्साहन दिया जाता है, विशेष सामग्री चयन होता है, समस्या के कारणों का पता लगाते हैं, लेकिन इसमें श्रेय नहीं दिया जाता, बच्चे को श्रेय नहीं, प्रोत्साहन दिया जाता है। इसी के साथ आज की हमारी ये कक्षा आदि उपांत समाप्त होती है, समय हमारा 11 बजा है, इसका मतलब हमने 2 घंटे में आज तो गढ़ जीत लिया, 2 घंटे में आज हमने 250 क्वेश्चन कर लिए लगभग। प्यारे साथियों, मेरी तरफ से मैं जितना आप लोगों को बता सकता था उतना मैंने काम किया है, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों के बिना ये सब होता नहीं। हम कल की क्लास को समर्पित रखेंगे केवल शिक्षा नीति और आयोग की, कल की क्लास हम विधिवत 9 से 10 ही रखेंगे, लेकिन हो सकता है कल क्लास 1 घंटे की हो, इसलिए कल अधिकतम आप बच्चों को जोड़ने का प्रयास करना, क्योंकि जब आप जोड़ेंगे तो परसों की क्लास को मैं 250 बनाने का प्रोग्राम करूंगा। परसों की क्लास को मैंने रात 7 बजे से आपके लिए रखा है, उस दिन आपके लिए 280 क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं, 180 क्वेश्चन ग्रामर के हैं और 100 क्वेश्चन शिक्षण विधियों के हैं। तो आशा करता हूँ ईश्वर की कृपा बनी रही, और स्वास्थ्य ठीक नहीं था इसलिए बीच में रुका नहीं मैं, क्योंकि एक बार गाड़ी रुक जाती ना तो मामला गड़बड़ हो जाता। तो ये बुलेट ट्रेन आपकी यहीं इसका सफर समाप्त होता है, बहुत सारे यात्रियों ने यहाँ पर जो है आराम से सवारियाँ ली हैं। अब कितने लोगों ने इसमें भाग लिया है, कितने आपको समझ में आया है, कितना इसमें याद रह जाएगा, वो सब आपकी योग्यता पर, आपकी याददाश्त पर और आपके समर्पण और आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। ये रामकुमार शास्त्री आपका शिक्षक होने के नाते अपने दायित्वों को भली प्रकार से निभाता आया है, निभाता रहेगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जल्दी से आप रीट का एग्जाम दें, पास होवें, फिर ग्रेड सेकंड और फर्स्ट ग्रेड में संस्कृत वालों को आगे फिर सिखाएंगे पढ़ाएंगे। कल की क्लास में हम शिक्षा नीति समिति आयोग के प्रश्न लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। कल की क्लास घंटे भर की क्लास रहेगी आपकी, निदान और उपचार रचनात्मक में होता है, शिव शंकर माली जी कह रहे हैं, देखते हैं अभी। तो मैं क्या कह रहा था, बुला दिया मुझे, जिस भी प्रश्न में समस्या है ना कमेंट्स कर देना, नहीं होना तो फिर मुझे फाइनली टेलीग्राम पे भेज दिया करो, आपके सबके विचार समृद्ध हैं जहाँ तक है, लेकिन आज कोई प्रश्न में गड़बड़ हुई नहीं है। तो मैं क्या कह रहा था आपको कि जितने भी आप लोगों ने ग्रहण किया है उस ज्ञान को बारंबार बारंबार दोहराते रहें। कल की क्लास में समिति आयोग और शिक्षा नीतियों के बारे में चर्चा करूंगा, कल की क्लास 9 से 10 1 घंटा रहेगी, इसलिए अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे से जुड़ेंगे। आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, पढ़ते रहें, सीखते रहें, गाना वाना नहीं, मेरी बहुत हालत ख़राब है, मुझे ठंड लग रही है, ठीक है। अब आप सभी ट्रेन से उतर जाइएगा वरना आपका चालान कट जाएगा, फिर मुझे मत कहना कि हमारा चालान काट दिया, ठीक है भाई। तो दादाओं फिर मिलेंगे कल की क्लास में समिति आयोग के साथ में, 9 बजे क्लास होगी, 9 से 10 1 घंटा क्लास लूंगा। परसों के रोज, क्योंकि एनर्जी सेव करनी है, परसों के रोज हम लोग 7 बजे से कबड्डी खेलेंगे और 7 से लेकर के जितना 200-180 क्वेश्चन की व्याख्या के साथ, क्योंकि केवल हम उसकी प्रश्नों के उत्तर नहीं बताऊंगा जैसे मैंने आज आपको बताया है, उसमें हम लोग व्याख्या भी करेंगे, थोड़ा बहुत बोलूंगा भी, इसलिए पूरा मेरे ऊपर दारोमदार रहेगा, जितना मैं बोलूंगा उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो परसों के रोज मुझे बोलने देना, अधिकतम बच्चों को जोड़ना आपका टारगेट है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया।